मैं असल में अपना कोई सेशन मिस नहीं करना चाह रहा होता हूँ, नहीं तो चीज़ें जो होती हैं फिर वो आगे फंस जाती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज आप लोग को जो है ना जो चीज़ें मैं पिछले बार बताना चाह रहा था, कुछ और कवर करना चाह रहा था, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। बिकॉज अभी मेरा सेशन वन जो है टेक्निकली वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो ज़रा थोड़ा कंपैरेटिवली लंबा था। जो मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं इंशाल्लाह SEO से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। सो या यार एक्चुअली वो हो नहीं सकता। मेरे सेशंस या किसी के भी सेशंस जो है आपस में फिर वो होते हैं इंटरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी और का सेशन स्केड्यूल्ड होगा, फिर उसका रीस्केड्यूल होगा एंड ऑल दैट। तो मुझे ये सेशन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट तक लेना पड़ेगा। अच्छा, सो मैं पहले कुछ चीज़ें आई वुड लव टू रीस्केड्यूल इट। अच्छा हाँ, सॉरी यार गाइज प्लीज, मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तलाल ने अच्छा मुझे रिमाइंडर दिया है, आप सब लोग जो है ना अपना प्लीज कैमरा बंद कर दो, बिकॉज वो एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम जिसकी वजह से काफी बात भी चली है। एंड आई वुड इंसान को पता नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली कभी एक्सीडेंटली कैमरा ऑन होता है, इंसान को खुद पता नहीं होता। जाके ना अपने कैमराज याद से ऑफ कर दो अपने एंड के। कोई बात नहीं, हम लोग जान खा लें। मैं मुझे मसला नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश से अच्छा रखता हूँ सेशन को, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अरे कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, चलो थोड़ा सा लाइट रखता हूँ इस सेशन को, कोई मसला नहीं है, इस सेशन को मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ। ठीक है। इट कैन बी रीस्केड्यूल्ड। अच्छा जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स ओवर हियर। आई नो मैं समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा करने दो एटलीस्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मुझे ज्यादा मसला होता है, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं खुद कॉल ऑफ कर दूंगा इसको। ठीक है। यार बात का देखो, असल में इशू ये है दोस्तों, अगर ये रीस्केड्यूल हुआ ना तो ये नेक्स्ट वीक होगा ये सेशन। ठीक है। और मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम लोग के जो जो भी तुम लोग अभी पढ़ रहे हो उसमें ज्यादा गैप आएगा, अगर तुम लोग पिछला भूल जाओगे। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, बात सुनो बात सुनो। एटलीस्ट ये कोर्स आउटलाइन देख लो। ठीक है। इसमें एक दो सेशंस और ऐड होंगे, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा। ठीक है। अच्छा ये मैं अभी सेशन वन मैंने पिछली बार खत्म नहीं करा था। और जो सेशन वन है उसमें हम लोग का, मैंने तुम लोग को जितना भी पढ़ाया था वो सब है। ठीक है। और उसके अलावा निश कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं आऊंगा, निश कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जब मैं आऊंगा तो मैं तुम लोग से बेसिकली बात कर रहा हूँगा कि
कि तुम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। सेशन टू में मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ अबाउट फाइंडिंग जीरो कंपटीशन। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं तुम लोग को उन एरियाज में लेके जाऊं जहाँ पे कीवर्ड कंपटीशन लो है, वहां पे तुम लोग अपने आप को आराम से रैंक कर सकते हो और कन्वर्जन ला सकते हो। द साइलो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली द वेबसाइट स्ट्रक्चर जो तुम लोग बिल्ड कर रहे होगे। इट विल गो हैंड इन हैंड विद योर एसईओ। दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन। ओ आई एम सॉरी, ये ऊपर शॉपिफाई डीएस लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, दिस जस्ट लेट मी फिक्स दिस क्विकली। ठीक है, एंड दिस विल गो हैंड इन हैंड विद योर एसईओ। साइलो स्ट्रक्चर हैज समथिंग टू डू विद, जस्ट गिव मी, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, तुम लोग का वेबसाइट स्ट्रक्चर है, सही है, और तुम लोग का मेन मेन्यू है। लेट मी जस्ट शो यू इन 10 पीस। ये तुम लोग का साइलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तुम लोग जो भी निश सेलेक्ट करोगे उसमें तुम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं तुम लोग को डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ, सही है। तुम लोग का जो भी हेडलाइंस होंगी वो बाइफिकेट हुई भी होंगी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सही है, इफ यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कोई शख्स ये बोलता है कि मैं हेडफोन्स के ऊपर बहुत पागल हूँ, मुझे डिफरेंट नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स का बहुत शौक है। तो तुम लोग लिखोगे एक तुम लोग की, फॉर एग्जाम्पल साइलो स्ट्रक्चर में जो एक कैटेगरी आएगी, जैसे यहाँ पे टेक गेयर आया हुआ है, वो होगा नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। दूसरा होगा नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स फॉर एग्जाम्पल। तीसरा होगा वायरलेस हेडफोन्स। चौथा होगा जस्ट जनरली हेडफोन्स भी हो सकता है। से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडफोन्स की कैटेगरीज होंगी, वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, आई मीन वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स ही होते हैं। वायरलेस हेडफोन्स की एक कैटेगरी होगी, फिर आपकी नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स की एक कैटेगरी होगी, फिर मे बी हेडफोन्स विद बेस, रियली नाइस बेस, गेमिंग हेडफोन्स, सही है, ये एक कैटेगरी होगी। ये पूरा साइलो स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा मैं आप लोग को, एंड दैट साइलो स्ट्रक्चर विल बेसिकली गो हैंड इन हैंड विद योर वेबसाइट बेसिकली, ठीक है। उसकी कुछ वर्क एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं आप लोग को, डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, जिसको देख के जो है ना आप लोग को ज्यादा क्लियर आइडिया होगा किस तरह इसके ऊपर काम करना है। बिल्डिंग द वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, ये पूरी चीज सिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज आप लोग ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, सही है, और फोर्थ सेशन में साइट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह और एसईओ से रिलेटेड और ज्यादा इन डेप्थ बताऊंगा कि ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की और ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। एक चीज मैं और आप लोग का बताना चाहता हूँ। आई नो मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं होगी तो तुम लोग अभी मजा नहीं आएगा। आई गेस अब शायद कुछ लोगों को इशू हो रहा है इससे रिलेटेड। मैं दो तीन चीजें बस हाईलाइट कर रहा हूँ एंड आई जस्ट फिनिश दिस ऑफ। तुम लोग ने मुझसे कुछ चीजों की रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। तुम लोग ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करा था कि हम लोग को ऑटोमेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक पूरा प्लान बना के दे दें। ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा डिटेल में, A to Z प्लान, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है। और एक सेशन में तुम लोग के साथ रखूंगा, एक उसी सेशन में मैनुअल प्लान, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ चीजें और भी मैंने डाली हुई कि बजट्स क्या चाहिए होंगे तुम लोग को, अगर तुम लोग मैनुअल की तरफ जा रहे हो तो ऑन अप्रोक्सीमेट बजट क्या चाहिए होगा मंथ ऑन मंथ, और अगर तुम लोग ऑटोमेशन, अगर तुम लोग मैनुअल मैनुअल पे जा रहे हो तो क्या बजट चाहिए होगा, ऑटोमेशन पे जा रहे हो तो क्या बजट चाहिए होगा। हैविंग सेड दिस, एसईओ में तुम लोग चाहो तो अपने पास लिख लो, लेकिन मैं वैसे भी इन डेप्थ डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास 3 से 4 मेन कैलेंडर्स हैं, जो एक एसईओ का बंदा है वो उसके में रोल प्ले कर रहा होगा।
कंटेंट कैलेंडर बना रहा होगा वो अपने कीवर्ड्स के लिहाज से, ये कंटेंट राइटर नहीं बना रहा होगा, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट नहीं बना रहा होगा। आई मीन कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट का काम है वैसे, ये बहुत सारी कंपनीज में कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट जो होता है उसको बेसिकली एसईओ का काम भी आता होता है, ठीक है। तो जो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट होगा चाहे तो वो फोकस कर सकता है, वरना एसईओ वाला फोकस कर सकता है। अगर आप लोग की दो की टीम है तो आप लोग की बात डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर कैसे बनना है, वो जो कंटेंट कैलेंडर होगा आप लोग की, जो मैं कीवर्ड हंटिंग करवाऊंगा कि कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से हाई कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स पे आप लोग देर से रैंक करोगे, और अगर रैंक करना है तो कैसे करना है, कितने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं, कितने आर्टिकल्स लिखने हैं, कितने उस मेन आर्टिकल को कितने बैकलिंक्स मजीद प्रोवाइड करने हैं ताकि लिंक जूस मिले, ठीक है। ये सारे एसईओ के काम होते हैं। मेन मोटे मोटे बता देता हूँ, ऑफ साइट एसईओ, ऑन साइट एसईओ से ये जो वेबसाइट का जो लुक एंड फील है, वैसे तो वो एक अलग बंदा करता है, लेकिन एसईओ वाला बंदा कर सकता है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काम, कि वेबसाइट की स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस, सारा ये सब कुछ एसईओ का बंदा देखेगा। कंटेंट कैलेंडर तुम लोग चाहो तो ये कंटेंट वाले बंदे को दे सकते हो, या तुम लोग भी ले सकते हो अपने हाथ में, ठीक है। और ओके, फिर आ गया दूसरे रोल कंटेंट का जो बंदा होगा उसके दो तीन मेन रोल होंगे। ऑब्वियसली आर्टिकल्स लिखना, उस अगर तुम लोग एग्रेसिव स्ट्रेटजी चाह रहे हो और तुम लोग चाह रहे हो आइडली विद इन 3 to 4 months के अंदर तुम लोग कहीं सर्च रिजल्ट्स पे आना शुरू कर दो, तो रोज तुम लोग के 2 से 3 आर्टिकल्स जाने चाहिए लाइव, रोज 2 से 3 आर्टिकल्स जाने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो आर्टिकल्स तुम लोग के लाइव जाएंगे, मैं अब तुम लोग अगर टीम छोटी रख सकते हो और एक ही बंदे से 2 3 काम करवा सकते हो, तो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अपने कंटेंट वाले बंदे से बोलो कि वो कम्युनिटी मार्केटिंग भी करे। कम्युनिटी मार्केटिंग में दो तरह की मार्केटिंग आ जाती है, एक हो जाती है सोशल में, जहाँ पे वो फेसबुक के रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करेगा, वहां पे जाके वो स्पैमिंग नहीं करेगा, दिन में 1 से 2 ग्रुप्स में उन आर्टिकल्स के ऊपर बात करेगा लोगों से, उनकी राय मांगेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्लिक्स आएंगे सोशल मीडिया के ग्रुप से। दूसरा आपका जो बड़ा एरिया है वो है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ एसईओ का बंदा भी कर सकता है, और ये चाहो तो कंटेंट वाले बंदे से भी करा सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर तुम लोग को टीम छोटी रखनी है, अगर तुम लोग को अपना बजट मैक्सिमम यूटिलाइज करना है छोटी टीम रख के, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई ओवरबर्डन होगा। 2 लोगों को अच्छे हेल्दी रेट्स तुम लोग ऑफर कर सकते हो, तकरीबन $350 से $500 के बीच में, ये मैं बोल रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, $1,000 तक का बजट, इफ इन केस अगर वो ऑटोमेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, 1,000 to 700 dollars तक का। अगर उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, तो वो $500 के साथ, 600 $500 $350 के साथ भी स्टिक कर सकते हैं, आई कम टू दैट लेटर ऑन। तो तुम लोग ऑफ साइट एसईओ जो है वो कंटेंट वाले बंदे से भी करा सकते हो। ऑफ साइट एसईओ में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक होती है फोरम्स पे जाना, फोरम्स पे जाकर जैसे रेडिट हो गया या दूसरे फोरम्स हो गए, फोरम्स की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल फोरम्स की बात, टेक्निकली फोरम्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन फोरम्स पे जाके अपने उस आर्टिकल के बारे में बात करना, और फिर उसके अंदर एंकर टेक्स्ट डालना। लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं आज कोई आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, और मैं एक फोरम पे जाता हूँ, वहां पे मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि रेलिवेंट फोरम, कोई भी फोरम नहीं, रेलिवेंट फोरम। अगर रेडिट पे जा रहे हो तो सब रेडिट सही सेलेक्ट करो, अगर तुम लोग कोई फोरम जा रहे हो प्रॉपर प्रॉपर, तो वहां पे प्रॉपर उस फोरम में अपना टॉपिक सही जगह पे डालो, सही है। यू डोंट हैव टू बी टू हेस्टी अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल या आई सी वेंस, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग गेमिंग करते हैं, लेकिन गेमिंग के फोरम्स के लिए, गेमिंग के जो फोरम्स हैं ऑनलाइन फोरम्स, उनके लिए स्टीम, STEAM बहुत मशहूर फोरम है, यहाँ पे कुछ लोग मुझसे अग्री भी करेंगे, ठीक है। स्टीम के जो फोरम है वहां पे आप
रेलेवेंट कोई टॉपिक डालो, लेट्स सपोज अगर आप सीएस गो की बात कर रहे हो या डोटा की बात कर रहे हो, ये गेम्स हैं ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, डोटा और सीएस एक बहुत दुनिया के मशहूर गेम्स हैं ठीक है। आप डोटा पे जाते हो या सीएस के फोरम उस सब कैटेगरी में जाते हो उस टीम के, और वहां पे जाके आप बोलते हो, लेट्स सपोज आपने गेमिंग हेडफोन्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आपने लिखा क्वेश्चन डाला व्हाट आर द बेस्ट और मोस्ट प्रिफर्ड हेडफोन्स फॉर डोटा टू, और आर दीज रियली द टॉप 10 हेडफोन्स फॉर डोटा टू। सही है आपने, ओप्स आई एम सो सॉरी रियली, नहीं एक्चुअली मैं नोट पैड पर लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं एक्चुअली नोट पैड पर लिख रहा हूँ तो ये नजर नहीं आया ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रुके रुके एक मिनट, रुके एक सेकेंड, मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाट आर द मोस्ट प्रेफर्ड हेडफोन्स फॉर डोटा टू, आर दीज रियली द टॉप 10 हेडफोन्स फॉर डोटा टू, ठीक है मैंने ये क्वेश्चंस डाले। मैंने ये दो क्वेश्चंस डाले, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने जो है ना फिर उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन, आर दीज द रियली टॉप 10 हेडफोन्स फॉर डोटा टू, और उसके बाद नीचे मैं अभी ये पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने शो कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोग को कुछ शो नहीं कर रहा, मेरी स्लाइड तो देख सकते हो ना आप लोग, स्लाइड को छोड़कर कुछ नहीं दिखा रहा मैं आप लोग को, अभी मैं सिर्फ आप लोग से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था सेकंड वाला, आर दीज रियली द टॉप 10 हेडफोन्स फॉर डोटा टू, ये आप लोग का मेन हेडलाइन आ गई, हेडलाइन के नीचे आप लोग ने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आई वॉज गोइंग researching, अभी रुकिएगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, researching through some articles and I went through this list of top 10 most preferred Dota 2 headphones. What are your thoughts over this? Also, which gaming headphones are you guys using now? ठीक है, आप लोग ने क्वेश्चन लिया ठीक है, अब देखे मैं एक और अभी आप लोग के चैट पे पेस्ट करें। सो बेसिकली आई वॉज रिसर्चिंग थ्रू सम आर्टिकल्स एंड आई वेंट थ्रू दिस लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड Dota 2 हेडफोन्स। अब इधर लिंक कहाँ आया है ठीक है, इधर लिंक कहाँ आया है, इधर लिंक आया है, ए गाइस एक सेकेंड, अभी कोई टाइप ना करे, दो सेकेंड प्लीज, अभी कोई मैसेज ना लिखे ठीक है, सब लोग मेरे अभी जो मैंने टेक्स्ट भेजा है ना उसको देखो। अच्छा वेट, मैं एक काम करता हूँ मैं आप लोग को ताकि आसानी हो जाए ठीक है, हाँ ठीक है ये मैंने लिख दिया, व्हाट द सही है, सॉरी देयर वाज टाइप ऑफ मिस्टेक, सो बेसिकली आई वाज सर्चिंग थ्रू सम आर्टिकल्स एंड आई वेंट थ्रू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड Dota 2 हेडफोन्स, व्हाट आर योर थॉट्स ओवर दिस। तुम लोग का टॉपिक क्या था, आर दीज रियली द टॉप 10 हेडफोन्स फॉर Dota 2, एक बात कर दी तुमने। अब तुम लोग ने नेक्स्ट जो नीचे टेक्स्ट है जहां पे टेक्स्ट लिखना होता है वहां पे तुमने ने ये लिख दिया, ये ऊपर तुम लोग का टॉपिक था, ये हेडलाइन थी जो उससे पहले मैंने ऊपर भेजा। तुम लोग अब क्या करोगे, एंकर टेक्स्ट डालने का एक ऑप्शन होता है आप लोग के पास हर फोरम पे होता है। तुम लोग क्या करोगे, टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड Dota 2 हेडफोन्स के ऊपर एक लिंक का निशान आ रहा होता है ठीक है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट, जिनको नहीं है अभी मैं ये मेन टॉपिक पे नहीं आया हूँ, मैं तो तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ ठीक है, कि तुम लोग का कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी जो कॉन्टेंट लिख रहा है वो क्या काम कर सकता है, उसके ऊपर एंकर टेक्स्ट डाल देगा, वो हाइपर लिंक डाल देगा ठीक है। जब वो टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड हेडफोन्स के ऊपर माउस हवर करेगा तो एक क्लिकेबल लिंक होगा, जब उस पर क्लिक करेगा तो तुम लोग की साइट खुल जाएगी। जब तुम अब गूगल क्या बोलता है,
गूगल ये बोलता है जब किसी अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली साइट से हमारे पास ट्रैफिक आएगा तो मैं तुम्हारे उस आर्टिकल को वैल्यू दूंगा, ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज। तो तुम लोग को ऐसे बहुत सेवरल लिंक्स बनाने होंगे बैक एंड फोर्थ। मैं बस तुम लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ एक एक उससे, ठीक है। तुम लोग मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो लोग डोटा टू जानते हैं। मैं बेसिकली पता नहीं लास्ट टाइम मैंने शायद बात इतनी डिटेल में नहीं करी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगा। डोटा टू लैग, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस कि ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं उसमें लैग बहुत एक्सपीरियंस होता है, इंटरनेट अच्छा चाहिए होता है, सही है। अगर इंटरनेट अच्छा ना हो तो उसकी वजह से लैग आता है, बेसिकली पैकेट लॉस होता है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली आपकी पिंग जो है हाई जाती है। इसके ऊपर ये आप लोग पहला आर्टिकल जो देख रही हैं, मैंने अपनी टीम के साथ रैंक करवाया है। डोटा टू लैग ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। हाउ टू फिक्स डोटा टू लैग किल पिंग, ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट था जिस पे हमने काम करा। ऐसे तकरीबन को 200 से 250 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, सही है, परचेस इंटेंट कीवर्ड्स, जिसके ऊपर हम लोग ने इस तरह के आर्टिकल्स लिखे हुए और हमारे पास सेल्स आती रहती है उससे ऑटोमेटिकली। दिस इज द मैजिक ऑफ एसईओ। एसईओ पे अगर आप कोई चीज रैंक करवा दो ना, तो अगर आपने रैंक करवा दी है तो ऑटोमेटिकली आप लोग के पास विद टाइम सेल्स आती रहेंगी, ठीक। तो ये काम जो लिंक बिल्डिंग का है, आप लोग ये कंटेंट वाले बंदे से भी करा सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी मार्केटिंग की बात करी मैंने, कम्युनिटी मार्केटिंग जहाँ पे आप लोग फेसबुक के ग्रुप्स में, ट्विटर पे और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जाके बात करोगे। मैंने बात करी ऑफ साइट एसईओ की, जहाँ पे लिंक बिल्डिंग होगी। लिंक बिल्डिंग का एक ये तरीका होता है, और लिंक बिल्डिंग का दूसरा तरीका होता है गेस्ट पोस्ट आर्टिकल्स, सही है। वो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गोसू गेमर्स डोटा की वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट्स में से एक है, ठीक है। इस पे न्यूज आर्टिकल्स आते रहते हैं और ये बहुत मशहूर वेबसाइट है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड एंड वेरी फेमस वेबसाइट। जो लोग डोटा खेलते हैं शायद वो इस साइट को जानते हो, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है पूरा। ये मैं इस साइट का ओनर नहीं हूँ, ना मैं इसके ओनर को जानता हूँ, ये बाहर की वेबसाइट है। लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। जब आप, एक तरीका होता है फोरम्स के थ्रू ट्रैफिक भेजना, एक तरीका होता है गेस्ट पोस्ट के थ्रू ट्रैफिक भेजना। जब आप कोई गेस्ट पोस्ट लिखते हो कहीं पे, तो और उससे कोई भी ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, तो उस पे गूगल आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। वो गूगल समझता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फोरम्स पे चैटिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसका वेटेज कंपैरेटिवली गेस्ट पोस्ट से हल्का होता है। गेस्ट पोस्ट की वैल्यू क्यों बढ़ती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हाँ, ये भी मैं अभी आप लोग को एक सरसरी से बताऊंगा, फिर मैं ये सारे बात के टॉपिक्स हैं, इस पे मैं सब पे ओवरव्यू देते हुए जा रहा हूँ। इफ यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, मैं सिर्फ अभी आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं आप लोग को क्या क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहां पे ले सपोज कोई भी आर्टिकल लिखते हो, और उस आर्टिकल से आपके पास, अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, चेक चेक करिएगा आप लोग जरा। ये देखिए क्लिपिंग लिखा हुआ, ये क्लिकेबल लिंक है, दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, हाइपरलिंक हुआ हुआ इसको, देख रहे हो आप लोग। तो मैंने क्या करा है, बड़े सटल तरीके से, विच वीडियोस शुड आई हाइड, ओके, दूसरे लोगों की। गाइज, मैंने आप लोग को मना करा है, प्लीज आप लोग अपनी वीडियोस ऑफ कर दो, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑफ द वीडियोस। और तो कोई नहीं है, आई गेस, या आई गेस दैट्स जस्ट अबाउट इट, ओके। तो अब आप लोग जरा इधर देखो, मैंने क्या करा है, मैंने एक, उस जमाने में ये एक टीम थी फिलीपींस की जो मशहूर हो रही थी,
मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आप लोग को अभी एक एक दो चीजें समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है, जरा ज्यादा जेनेरिक एग्जाम्पल, ठीक है। सो या आई टेल यू, यस, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखें गौर से, अब थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं आप लोग को बताना क्या चाह रहा हूँ। ऑफ साइट पे बहुत डिटेल में बात हो रही होगी, ये मैं आप लोग को, आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ इट। मैंने SEO में इंशाल्लाह ताला आप लोग को चीता कर देना है, SEO में, फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोग किसी भी जगह पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप लोग कॉन्फिडेंटली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, ऐसा जैसे आप खुद एक SEO, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एक्सपर्ट हो, इंशाल्लाह, सही है। अभी मैं बिल्कुल आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बेसिकली, ये मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ कि बेसिकली आप लोग को करना है नहीं करना है, एक अलग बात है, ठीक है। हाँ आसिम, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को ये करना है या नहीं करना है एक अलग बात है, ठीक है। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने नीचे एक टीम रखते हो तो उस टीम से क्या करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्ट है, ये एक रेव, एक टीम है फिलीपींस की जो डोटा में उस जमाने में बहुत मशहूर हो रही थी 4 साल पहले, देख सकते हैं आप लोग। इस मैंने क्या करा है, इस बंदे से बात करते हुए मैंने बड़े सटल तरीके से इंटरव्यू लेते हुए अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। आप लोग नीचे जाते हुए पढ़ते हुए जाएं तो यहाँ पे पूरा हुआ, यहाँ पे फिर मेरे बारे में लिखा हुआ है, कम्युनिटी मार्केटिंग मैनेजर वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपके पास किसी बड़ी वेबसाइट से ट्रैफिक जाता है किसी छोटी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आप लोग की साइट छोटी होगी, अभी स्टार्ट हुई है, बड़ी वेबसाइट एज इन बाहर की कोई बड़ी वेबसाइट हो, कोई भी हो सकती है वो, तो फिर गूगल उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देता है कि उस वेब, लिखा किसने ये आर्टिकल, मैंने लिखा है, लेकिन मैंने नेटवर्किंग करी थी ट्विटर पे जाके, इनके गोसू गेमर्स के जो लोग हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं जो पब्लिश करते हैं, कंटेंट राइटर से दोस्ती करी मैंने जाके, लिंक्डइन पे जाके, ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके इनको रीच आउट करा कि मैं बेसिकली पब्लिशर हूं। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपने आप को बैक लिंक दूंगा, जरा समझने की कोशिश करो। मैंने बताया यार मुझे राइटिंग का बड़ा शौक है, ठीक है, मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, और मैंने एक आर्टिकल प्रिपेयर करके रख दिया था कि कोई भी गेमिंग की अगर कोई न्यूज साइट है उस पे जाके मुझे पब्लिश करवाना है, कोई भी मान जाएगी, अगर कोई भी मान जाएगी मैं उस पे, ये प्रिपेयर्ड आर्टिकल है, वहां जाके मैं पेस्ट करूंगा और मुझे बैक लिंक मिल जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट 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 साइट्स को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद जो साइट मान गई मेरा आर्टिकल लिखने के लिए, मैंने बोला मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे, मैं बस अब एक आर्टिकल पोस्ट करूंगा, लेटेस्ट कोई न्यूज होगी या कोई कम्युनिटी का आर्टिकल होगा या कोई इंटरव्यू होगा, और वो लेजिट होगा, एक बड़े प्लेयर का होगा, और मैंने बाकी बड़े प्लेयर से बात कर ली थी, बड़े प्लेयर मान गया था। आप लोग बड़े प्लेयर को छोड़ दो, जरूरी नहीं है। और फिर उस मैंने ये आर्टिकल पोस्ट कर दिया, सटल तरीके से मैंने अपना लिंक भी पोस्ट कर दिया। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग लिख रहे हो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, फोरम्स तो करना कोई बड़ा मसला नहीं है, फोरम्स की तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दी, आप लोग ये किस तरह करोगे, क्या नाम है, गेस्ट पोस्ट, इसकी डिटेल्ड एग्जाम्पल दूंगा, बट अभी क्योंकि मैंने बताया कि मैं ओवरऑल अपने जो टॉपिक्स है जिनके ऊपर डिटेल में बात करूंगा उसकी एग्जाम्पल से मैं आपको एक छोटी सी दे देता हूँ। आप लोग रेलिवेंट लोगों को, रेलिवेंट वेबसाइट्स को कॉन्टेक्ट करोगे, कॉन्टेक्ट करने का तरीका मैं बताऊंगा, बात कैसे करोगे, क्या मैसेज दोगे वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद उनसे वॉलंटियर बेसिस पे आप लोग ने आर्टिकल पोस्ट करवाना है, आर्टिकल रेडी करवा के रख लेना अपने कंटेंट राइटर से, ठीक है।
और वो आर्टिकल के बीच में तुम लोग कहीं पे अपनी बात करोगे, जैसे कि तुमने आर्टिकल पोस्ट करवाया कि जो ये मेरे हेडफोन्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी गेमिंग हेडफोन्स हैं, तकरीबन 30,000 रुपये के हैं ये। तो तुम लोग ने बोला कि ये जो हेडफोन्स हैं, ये हेडफोन्स इसका जो भी नाम है, ये स्टील सीरीज के हेडफोन्स हैं ये, और ये स्टील सीरीज के ये वाला जो मॉडल है हेडफोन्स का, ये इतना अच्छा है कि ये सारे प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। और फिर आगे बात करते हुए जाओगे तुम लोग, मैं कुछ कर ही नहीं रहा स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद तुम लोग आगे बात करते हुए जाओगे और फिर बोलोगे एज रिकमेंडेड बाय, और फिर अपनी वेबसाइट का ऑल्सो रिकमेंडेड बाय, अपनी वेबसाइट का तुम लोग नाम डाल दोगे, ठीक है, तो तुम लोग को बैकलिंक मिल जाएगा। देर आर सो मेनी वेज, और उन सारे तरीकों का मैं तुम लोग को तरीका बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम लोग कैसे करते हो इस चीज के ऊपर बात। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं तुम लोग को। ये रहा, ये मेरा मैनेजर है, टेक क्रंच। कितने लोग टेक क्रंच के बारे में जानते हैं, बंद दबा दें। अच्छा चलें, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, छोड़ो। टेक क्रंच दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक न्यूज वेबसाइट्स लिख न्यूज आर्टिकल्स लिखते हैं ये, सही है। और आप ये देख सकते हो, ये मेरा मैनेजर है, इसने यहाँ पे टेक क्रंच, दिस इज लाइक द फोर्ब्स ऑफ टेक्नो टेक साइट पे, टेक साइट की जो न्यूज लिखती है ना, समझो कि टेक साइट के लिए इट्स लाइक फोर्ब्स, एज बिग एज फोर्ब्स। टेक साइट के लिए बोल रहा हूं मैं, फिर आप लोगों को तुम लोग यहां देख सकते हो, इसके अपने एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर जो है, औरंगजेब और दुर्रानी कौन है, यहाँ का पब्लिशर्स में से एक है, और उसमें भी इसने एक बैकलिंक अपना डाला हुआ है, ये देख लो। नीचे आते हैं, बात करते हैं आगे, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये पब्लिश मेरे मैनेजर ने किया हुआ था। हाउ द वीपीएन इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग इट्स स्टेक इन ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। और तुम लोग ये देख सकते हो यहां पे, एक था, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुकोगे जरा तुम लोग। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली मैं एक लिंक निकालना चाह रहा हूँ, मिल जाएगा वैसे। किल्पिंग किल्पिंग किल्पिंग, ओ यस, आई थिंक ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसने बेसिकली, मैं आप लोग को ये, शिट, एक सेकंड यार, ये मिनिमाइज। हाँ, ये जो है ना, ये बेसिकली आर्टिकल्स लिखे हुए मेरे मैनेजर ने, ये मेरे मैनेजर की प्रोफाइल है टेक क्रंच पे एज अ पब्लिशर, और ये सारे आर्टिकल्स लिखे हुए इसने, ठीक है। इन आर्टिकल्स में इसने फिर से किलपिंग को जो है ना, बहुत सटल तरीके से जो है ना, हाँ ये आ गया, ट्विच टीवी का ये आर्टिकल है। अच्छा ये, नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, आईवीसी जो है ना, आईवीसी आईवीसी इज अ वीपीएन, इट्स अ वीपीएन बाय अ पाकिस्तानी कंपनी नेम्ड गैरीटेक। अब आप ये देखो कि इसने इस पूरे आर्टिकल में बड़े तमीज से बात करते करते इसने आईवीसी वीपीएन का जो है ना लिंक डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो
जो तुम लोग का जो कंटेंट राइटर होगा वो गेस्ट पोस्टिंग भी करेगा, ठीक है? गेस्ट पोस्टिंग से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का। एक मिनट रुकना। नेवर माइंड, बहरहाल इसने जो है एक और जगह पे भी करा हुआ है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, वो किल्पिंग का ही करा हुआ है इसने। बेसिकली मैं तुम लोग को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग को जो है गेस्ट पोस्टिंग में अपने आप को बैकलिंक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है? और मैंने तुम लोग अभी दो तीन एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। गेस्ट पोस्टिंग से गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की जो है वैल्यू बहुत बढ़ती है। इसके लिए तुम लोग दो चीज़ें कर सकते हो, तुम लोग डायरेक्टली लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? या तुम लोगों को अप्रोच करवा सकते हो अपनी टीम बिल्ड करवा के, ठीक है? दैट्स बेसिकली दैट्स हाउ इट्स डन ऑल इन ऑल। स्क्रीन नॉट शोइंग, स्क्रीन नॉट शोइंग, वेट, क्यों नहीं दिख रही आप लोगों को स्क्रीन? अभी दिख रही है? ओके, सॉरी यार। बहरहाल मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाया नहीं, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा था कि ये मेरे मैनेजर की प्रोफाइल है, ये इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हर आर्टिकल में इसने एक बैंक लिंक दिया हुआ है किसी ना किसी प्रोजेक्ट को। या तो उसने हमारे अपने प्रोजेक्ट को दिया हुआ है किल्पिंग को, या तो फिर उसने जो है ना दूसरे हमारे ही कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स को बैक लिंक्स दिए हुए, ठीक है? तो ये बहुत बाद में आता है, पहले तुम लोग छोटे छोटे काम कर रहे होगे। बस मैं तुम लोग को बेसिकली एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोग टीम रखना चाह रहे हो तो तुम लोग को उस टीम से क्या काम करवाने होंगे, और अगर तुम लोग ये काम खुद करना चाह रहे हो तो तुम लोग अपने माइंड में बना लो कि ये काम भी करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये रोजमर्रा पे होगा, महीने में एक भी आर्टिकल चला जाए ना इट्स मोर देन एनफ। ऐसा आर्टिकल 2 महीने में भी एक बार चले जाए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सही है? बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क इसकी। अच्छा, अब तुम लोग ये बोलोगे कि सर लेकिन ये तो काफी मुश्किल लग रहा है दिखने में, किस तरह हो सकता है ये? मैं आपको बताता हूं, तुम लोग को लगता है तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। गेस्ट पोस्टिंग पे गए, यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें फ्रीलांसर्स मिलेंगे जिनकी बातचीत हुई हुई है, जिनकी नेटवर्किंग पहले से हुई हुई है। आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन रॉक न्यूज, ये कोई बड़ी न्यूज वेबसाइट है। आई विल पब्लिश टेक पोस्ट ऑन IBM, वाओ, ठीक है? टेक ब्लॉग लिखूंगा मैं रैंक्ड USA वेबसाइट पे, उसकी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी लिखी हुई है, ठीक है? आई विल डू फॉलो गेस्ट पोस्ट ऑन मार्केट वॉच DA92। 92 इज दिस, मतलब यहां पर होता है 92 भाई। आप इनसे अपनी बैक लिंक्स पढ़वाओगे और आपकी सिर्फ सोच हो सकती है कि आप कहां पहुंचोगे विद इन 3 to 4 months। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए टीम, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके पास पैसा है जो अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है? आप अपने आप को यू रैंक करोगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं बेसिकली आई एम गोना क्लोज दिस ऑफ बिकॉज इट्स गेटिंग रियली पेनफुल। सो ये फहद, मैं तुम्हें जो है ये पूरा बजट प्लानिंग प्रॉपर इंशाल्लाह अपकमिंग 2 से 3 क्लासेस में सब पता चलेगा, पूरा एक इसके ऊपर प्लान मैं तुम लोग को जो है ना फुल फ्लेज प्लान दूंगा कि यार ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? नहीं, मैं बॉट्स वालों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग को प्रॉपर लोग कैसे हंट करने जो तुम लोग को अच्छे लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है?
अच्छा, क्लोजिंग मैं बात खत्म करते हुए बस एक दो बातें और कर लूं। मैं ये सोच रहा हूं, मैं सनी भाई से या टीम मेंबर से बात करूं कि मैं, ले सपोज यहाँ पे कोई पीएल का बंदा है और वो ये काम करवाना चाह रहा है, या कोई बंदा ऐसा है जो पीएल में अभी नहीं जा सकता, वो बोलते हैं मेरे पास अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं $500 का अपना गोल, किचन इनकम का गोल कंप्लीट करना चाहता हूँ, $700 का, $500 का अमेजोन एफिलिएट वाले, ऐसा नहीं है, अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो आप $5,000 की तरफ भी एम कर सकते हो, लेकिन वो पे लॉन्ग टर्म प्लान है उसका, ठीक है। मैं अभी से $500 वाली सोच लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ये बात बोलते हो कि मैं, मुझे प्लीज कल को कोई कोट नहीं करे कि मैंने बोला था $5,000, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं चाहे तो दिखा सकता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो खुद से, अमेजॉन एसोसिएट्स मंथ ऑन मंथ कितने बना रहे हैं, $26,000। अमेजॉन एसोसिएट्स मंथ ऑन मंथ कितने बना रहे हैं, $15,000, $14,000, $8,500, ठीक है। तो ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें एफर्ट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, अनलेस के अगर आप ऑटोमेशन पे जाना चाह रहे हो, आप वीएस पकड़ना चाह रहे हो, आप पूरी टीम को बताना चाह रहे हो, आप खुद काम नहीं करना चाह रहे, ये तो हो गई ऑन वो बंदा जो कि जरा बड़ा सेटअप कुछ खोलना चाह रहा है, या थोड़ा छोटा सेटअप भी खोलना चाह रहा है। वो आ जाए बंदा जो खुद से करना चाह रहा है, तो वो भी कर सकता है, वो दे बिजनेस हमारे ही कम्युनिटी को, ईसी वालों को, वो बोले पर लिंक मैं आपको अपनी साइट पे मेंशन कर दूंगा, अमेजॉन एसोसिएट्स की लिस्टिंग में मैं आपको डाल दूंगा, टॉप 10 में डाल दूंगा, टॉप 5 में डाल दूंगा, आप मुझे पर मंथ लिस्टिंग प्रमोट करने के कितने दोगे, या एक बार लिस्टिंग प्रमोट करने के कितने दोगे, एक बात। दूसरी बात, लिस्टिंग प्रमोट करने के पैसे अलग, ऑब्वियसली जो अमेजॉन एफिलिएट्स आपको दे रहा होगा वो पैसे अलग, ठीक है। आप लोग टीम बना सकते हो, आप सब आपस में दोस्त हो, मतलब कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी के हो, आप लोग डिसाइड कर लो दो बंदे मिलके जो है ना, वो एक, लेट सपोज एक कोई रिनोन्ड निश है हमारे ईसी के प्लेटफॉर्म पे, लेट सपोज पेट्स की, अब पेट प्रोडक्ट्स कितने लोग प्रमोट कर रहे होंगे, बहुत लोग कर रहे होंगे, आपने बोला आप एक एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करेंगे विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, फोकस्ड टुवर्ड्स पेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने बोला एक होगा डॉग कॉलर का, आपने एक साइलो बना दिया, एक साइलोस होते हैं ना डिफरेंट, एक आपने बना दिया पेट एक्सेसरी से रिलेटेड, आपने डिफरेंट डिफरेंट साइलोस बना दिए। अब जो बंदा, आपको पता है हर बंदा तकरीबन हमारे ईसी में जो भी पीएल लॉन्च कर रहे हैं, हर कैटेगरी में तकरीबन 3 से 4 बंदे कर रहे हैं, अब 3 से 4 बंदों से आपने बात करी और आपने ये काम शुरू कर दिया, लाइक आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस वर्क, मतलब अगर इस पे बंदा सोचे ना तो इसका बिजनेस काफी बड़ा है, काफी जबरदस्त है, ठीक है। काम काफी किया जा सकता है और काफी पैसा इकट्ठा भी किया जा सकता है और दूसरों को बिजनेस भी दिया जा सकता है, और आपकी लिस्टिंग प्रमोट करने की किसी को एक पैसे अच्छे भी होंगे, और अर्ली फॉर वॉट, मैं ये नहीं समझा, डोंट यू थिंक इट्स बिट टू अर्ली फॉर वॉट, सॉरी पार्टनर्स। तो मैं आप लोग को ये नहीं बोला अभी पार्टनर बना लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग सोच सकते हो, अगर तुम लोग को डिफिकल्टी पेश आया, तुम लोग को लगे कि नहीं यार मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं और भी काम में बिजी हूँ, अगर तुम लोग अकेले फोकस कर सकते हो तो बिल्कुल करो अकेले, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन 2 से ज्यादा पार्टनर नहीं। Why would the EC seller do that by going on to Fiverr himself and hire a well-related person? Please enlighten. मैं समझा नहीं आपकी बात।
वेल रेटेड पर्सन इन व्हाट? वेल रेटेड इन व्हाट? अमेज़न एसोसिएट्स? अमेज़न एसोसिएट्स वाले नहीं है यहाँ पे फाइवर पे, आपको मिलेगा भी नहीं कोई, शायद एक कोई बंदा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो तो एक कैटेगरी को प्रमोट कर रहा होगा ना। बहरहाल अच्छा वेट, मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग फिर, आप लोगों को जो सवाल करना है आप लोग हैंड रेस करना स्टार्ट कर दो, मैं आप लोग से सवाल ले लेता हूँ। जो भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो। ठीक है अच्छा चलें, अब मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज अभी लिख लो कहीं पे, एक नोटपैड पे लिख लो, बिकॉज जिनको जो कंफ्यूजन है ना वो मुझसे फिर पूछ ले, कोई इसमें मसला नहीं है। मुझे नहीं पता, एक बंदा शायद किसी और चीज की कंफ्यूजन लेके बैठा हुआ है, एक बंदा किसी और चीज की लेके बैठा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। कंफ्यूजन्स होनी चाहिए, कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी तो तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन्स होना अच्छी बात है, बिकॉज कंफ्यूजन्स होंगी तो तुम लोग को क्वेश्चंस होंगे ना दिमाग में कंफ्यूजन की वजह से, तो तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है एक सेकेंड, ये किसने क्या मैसेज लिखा है? जस्ट लेट मी कॉपी योर मैसेज। इन दिस समरी करेक्ट ऑफसाइट एसईओ बजट 3 4 स्टार्ट कन्वर्सेशन, सो बेसिकली आई वाज रीचिंग। यस यस, आपने सही समरी लिखी है मोर और लेस, लेकिन बजट जो है वो 350 से लेके $1,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंडिंग के आपकी रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट इसमें कुछ भी नहीं है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है अहमद, द ओनली स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन एफिलिएट मार्केटिंग आर द वंस जो कि मैं आप लोग को सिखा रहा हूंगा, बस आई वुडेंट रिकमेंड यू टू यूज गूगल एडसेंस, बिकॉज आप लोग क्लटर कर रहे होगे। जो बंदा आपकी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना चाहिए वो गूगल एडसेंस पे क्लिक कर रहा होगा, गूगल एडसेंस पे आप लोग को सेंट्स मिल रहे होंगे, तो एक बंदा जो कन्वर्ट करने वाला है उसको गलती से कोई ऐड दिख गया, और सोचो उस प्रोडक्ट का ऐड दिख गया जो वो खरीदने आया हुआ है, तो इंस्टेड के वो वहां पे कन्वर्ट हो, वो उस ऐड पे क्लिक करके कहीं और जाके कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैसे कहीं और चले जाएंगे आपके, डाइवर्ट हो जाएंगे। मुइज भाई एक ले क्या कर सकता है जो किसी का कोई क्वेश्चन है कि एक लेमैन क्या कर सकता है रिगार्डलेस रुको ओके जी मोहतशम आप सवाल कर लें, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट हेलो, रुकिएगा, कैन यू मेरे हियर को मी? जरा अपना वो ऑन कर दूं स्पीकर। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हेलो हेलो, जी जी मोतिशम जी आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, एक तो मुझे ये बोलना था कि जो आपके प्रीवियस सेशन के जितनी भी वीडियोस हैं वो अभी तक अपलोड नहीं हुई हैं, तो अगर वो काइंडली अपलोड कर दें जल्द से मैंने जल्द मैसेज तीन। कर दिया उनको, मैंने मैसेज कर दिया अच्छा उनको।
दूसरी चीज ये कि जितना भी बजट वगैरह है, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुद भी कर सकते हैं, जैसे एज इन द फोरम मार्केटिंग वगैरह, ये तो वैसी बहुत इजी हो जाती है हर किसी के लिए. लेकिन डू यू सजेस्ट कि अगर एक बंदा खुद भी काम कर रहा है मैन्युअली, तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग वगैरह है वो स्टिल इसको ऑटोमेट कर दे, बिल्कुल हो सकती है ऑटोमेट। तो इसके ऊपर मतलब एक ऑब्वियसली ये तो आप आगे जाके ही बताएंगे, जो पूरा बजट ब्रेकडाउन जो है ये तो अभी तो बताना फिर वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा. लेकिन एक और मैंने आपको चीज फेसबुक मैसेज के वही भेजी थी, वो जो मैंने आपको उस बंदे का लिंक भेजा था, सही है. अब मुझे सिर्फ कंफ्यूजन नहीं थी कि वो बंदा अपने कोर्स के अंदर यही बताता है कि भाई सिर्फ विदाउट एसईओ इफ यू पुट द आर्टिकल्स देयर ऑन द वेबसाइट तो वो रैंक हो जाता है, नहीं मैं वेर बताता एज हूँ, सो आपने और आई टेल बहुत यू सारे समथिंग। और इंटरनेट के ऊपर जितने एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो सब यही. हाँ नहीं बोलो बोलो कंप्लीट करो बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने और जितने भी लोग देखे हैं सब एसईओ रेकमेंड करते हैं, मतलब एसईओ एज इन लिंक बिल्डिंग वगैरह, फोरम मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, मतलब आप अपने लिंक्स ड्रॉप करें ताकि ट्रैफिक हर जगह से आए तो वो बिल्टअप हो. हाउ इज ही सेइंग कि भाई सिर्फ आर्टिकल्स डालने से ही रैंक हो जाएगा? मैं बताता हूँ, वो जो बंदा है ना जिसको तुमने लिंक करा है जी उसके मैंने बाकी कोर्सेज भी करे हुए हैं, उसका सिर्फ एक इशू है। उसका इशू ये है कि वो बहुत जेनेरिक कंटेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा जेनेरिक। वो इजी गोइंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पसंद करता है, बहुत इजी, मतलब बस स्ट्रेट लाइन की तरह। एंड आई वुड से आई वुड मैं ये नहीं कह रहा वो बंदा सही नहीं है, उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत वेग होती है, इनकम्प्लीट होती है उसकी। मैंने उसके एक और सेशन भी दिया है, टॉप 10 पैसिव इनकम स्क्रीम्स, वो यूडेमी पे है, और मैंने बहुत कुछ लिया हुआ उस बंदे का। लेकिन वो ना आई वुडेंट हाईली रिकमेंड हिम, बट आई वुड आस्क समवन टू, मतलब अगर वो चाहता है, जैसे तुमने पढ़ लिया तो मैं बोलूंगा वेल एंड गुड तुमने पढ़ लिया, लेकिन आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी को उस बंदे को रिकमेंड नहीं करेगा। तुम्हें अगर चाहिए ना पढ़ने को या कुछ करने को खुद से रिसर्च वर्क करने के लिए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो। लेकिन आइडियली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, वो भले मैं हूँ या बाकी हैं, ठीक है, हम लोग ने एक कंटेंट के ऊपर कम से कम 25 डिफरेंट कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करा हुआ है हमने, ठीक जी है। मतलब तुम ये सोचो कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट होने से पहले मुझे एक लंबा 2 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ा सनी भाई को, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी तो हम लोग को ना पहले वैलिडेट किया जाता है कि वाकई में जो हम कंटेंट देंगे या आप पे आके जो पढ़ाएंगे और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सब मैच करता है या नहीं करता। और अगर मैं ये बोल देता ना कि मैं सिर्फ कोर्सेज पढ़े हुए लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं करना जानता, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे आज यहाँ पे रखा भी नहीं जाता। तो तुम ये समझो कि जो 25 कोर्सेज या 50 कोर्सेज किसी भी एक चीज पे अवेलेबल है ना, वो कंटेंट हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, देखा हुआ है कि कौन सा इम्प्लीमेंट होके चल रहा है, कौन सा इम्प्लीमेंट होके नहीं चल रहा है, या कौन सा इम्प्लीमेंट होके थोड़ा बहुत चल रहा है, या समझो मतलब ओके काम कर रहा है। मैं जो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना तुम लोग को, मैं सिर्फ वो दे रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ चलेगी, जी जो एग्जैक्टली, तुक्के पे नहीं होगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एग्जैक्ट मेरा भी असल में कंसर्न यही था, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट वाज कि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देके अपने रेफरल लिंक्स जो है वो तो प्रोमोट हाँ उसके ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास व्यूज बहुत आते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके वो तो प्रोमोट हो ही रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट ही रहती है. अच्छा ये मेरी कंफ्यूजन पूरी दूर हो चुकी है. एक मुझे और बस चीज पूछनी है, जो आपने बजट जो आप बता रहे हैं सही है, यू यू सेट अ बजट इफ द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, तो आपने बताया 300 to 1000 राइट? या तो वो 300 to 1000 वाला जो बजट है उसके अंदर वी वुड बी एक्सपेक्टिंग अ मंथली इनकम ऑफ, देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है, मैं तुम्हें बताता अच्छा हूँ, मतलब मिनिमम. मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज बात करता हूँ, एग्जाम्पल, एक बंदा है पाकिस्तानी जो ये बोलता है कि यार मेरे पास तो $300 का बजट नहीं है, मेरे पास तो बस 30,000 रुपये निकाल सकता हूँ मैं मंथली, ठीक है, और बस मैं 30,000 रुपये ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि वही मैं सेव भी करता हूँ, लेकिन चलो एज को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर लूंगा। तो मैं ये करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज आई एम दैट गाय, मैं बोलूंगा ठीक है, एसईओ, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ मैं देख लूंगा, वेबसाइट का लुक एंड फील मैं देख लूंगा,
मैं सिर्फ 30,000 रुपये निकालूंगा और हर महीने उन 30,000 रुपये से आर्टिकल्स लिखवाऊंगा। अब देखो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रखोगे, बहुत एग्रेसिव, तो तुम्हारा बजट ज्यादा लगेगा। अगर तुम स्लो स्टडी रखोगे, तुम बोलोगे नहीं ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, मैं पैसे स्ट्रेटेजी रखूंगा, आराम से चलूंगा। 30,000 रुपये के साथ भी आप चल सकते हो, ठीक है, बस मैं आराम से चलूंगा, अपने आप को मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली रैंक करूंगा सही जगहों पे। हर रोज मैं 2 आर्टिकल्स या हर हफ्ते में 4 आर्टिकल, देखो अब ये स्ट्रेटेजी एक ये है कि रोज तुम 2 आर्टिकल्स से 2 आर्टिकल्स लिखवाओ, एक स्ट्रेटेजी बोलती है जिसमें तुम हफ्ते में 2 आर्टिकल्स लिखवाओ, समझे, या 4 आर्टिकल्स लिखवाओ। अच्छा तो ये मतलब आप आगे जाके सब कुछ बता रहे हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी और आपकी एग्रेसिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप एक्सट्रीम एग्रेसिव जाना चाह रहे हो तो ठीक है, आप उतनी जल्दी रैंक भी होगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं ठीक है, मतलब आई हैव टाइम, मैं आराम से चल सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से चलना चाहता हूँ, 3 से 6 महीने तक के टाइम के अंदर मैं रैंक हो जाऊँ, 6 महीने में भी कोई बात नहीं, मैं हो जाऊँगा रैंक, मैं कुछ कहीं पर तीसरे पेज दूसरे पेज तक पे नजर आना शुरू हो जाऊँ 3 तकरीबन 4 महीने में अपने कीवर्ड्स के ऊपर, तो मैं समझूंगा कि हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी जान और मारनी है और मैं पहले पेज पे आ जाऊंगा। आई कैन वर्क विद दैट स्ट्रेटजी। सही है। तो फिर बेसिकली बेसिकली दो आई हैव मोर क्वेश्चंस, बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये क्वेश्चंस बाकी रखूंगा नेक्स्ट सेशंस के लिए, क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है ऑलरेडी ये चीजें क्लियर हो जानी है, फिर यानी है अभी फिर पूछना फजूल है। सही है, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर फॉर योर हेल्थ। अगर आप पहले भी आपको सब कह रहे थे, अगर आप ऐसा कोई सीन होता तो आप रीशेड्यूल कर लिया करें, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी जो टीचिंग है वो वैसी बहुत ज्यादा समझ में आ रही होती है, तो बेहतर है कि आपकी चीजें क्लियर हो रादर देन कि हम अनक्लियर हो। तो वो एंड अ बिग थैंक यू फॉर ऑल दैट। नहीं नहीं थैंक यू, थैंक्स। जी अस्का। वेलकम सर। सर आई एम अ कंटेंट राइटर और मैंने 2017 में एक SEO का कोर्स किया था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं किसी से SEO के लिए कोई अपनी जॉब के लिए बात करती हूँ तो वो कहता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई हैं। अब मेरे पास आप अपॉर्चुनिटी हैं तो मैं बताना पूछना चाह रही थी कि सर मैं किस तरीके से अपनी ये कोई भी अर्निंग मैकेनिज्म कर सकती हूँ, कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए उसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखूँ और रैंक करवाऊँ, बैकलिंकिंग करूँ और उसके बाद मैं उसको फ्लिप एम्पायर के ऊपर मतलब सेल कर दूं, तो सर ये कैसे सारा मैकेनिज्म रन हो सकता है? देखो अगर तुम्हें डेडिकेटेडली करना है ना, तो तुमने सबसे पहले तो अपने आप के, मैंने ड्रॉप शिपिंग में कोर्स शुरू में बताया था माइंडसेट से रिलेटेड, वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। मैंने वो अमेजोन में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो हर चीज पे इम्प्लीमेंट होता है। पहले तो बंदे को ना अपना एक रूटीन रखना होगा। अगर मैं होता प्योर राइटर तो मैं दिन में एटलीस्ट दो आर्टिकल्स रोज पोस्ट कर रहा होता। सही है, आर्टिकल्स की बाइफिकेशन होती है, कम्युनिटी आर्टिकल्स अलग होते हैं, SEO आर्टिकल्स अलग होते हैं। SEO आर्टिकल्स यूजली इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपको कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो तुमको पहले ये पूरा सिस्टम समझना होगा, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें उनकी SEO कैसे करनी है, ठीक है, और फिर तुम्हें रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट काम करना है। मेरा ख्याल ये है, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ, जो कंटेंट राइटर होता है ना, जो टिपिकल जिसकी स्किल कंटेंट राइटिंग होती है, उसकी स्पीड बहुत होती है कंटेंट राइटिंग में, और वो आइडियाज फॉर्म जनरेट करता है वो। मैंने ऐसे राइटर्स भी देखे हैं जो 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर क्वालिटी कंटेंट निकाल लेते हैं, तकरीबन 700-800 वर्ड्स का, मतलब 1600 वर्ड्स के 2 आर्टिकल्स लिख के रख दिए उन्होंने। सही है, आप चाहे तो रोज एक अच्छा हेल्दी आर्टिकल लिख लें ज्यादा वर्ड्स का, ये भी हो सकता है 1600 से 2000 वर्ड्स का बस एक आर्टिकल लिख लें और उनको ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। तो राइटर राइटिंग का मेरे ख्याल से आपको शायद इशू ना हो, क्योंकि माशाल्लाह आप खुद राइटर हो। आपको दूसरे एरियाज में काम करना होगा। लेट्स सपोज आप सुबह में उठी 9-10 बजे, आपने राइटिंग करना स्टार्ट करी, 12-1 बजे तक आपने खत्म कर दी राइटिंग करके, फिर रात में सोने जाने से पहले आप 10-11 बजे बैठी, आपने उनको वर्डप्रेस पे सुकून से बड़े अच्छे से लिखा, उसको अच्छे से आपने जो ना डाल दिया अपने वेबसाइट पे। फिर आपने सोच लिया कि हफ्ते में ये पूरे 7 दिन में से 5 दिन तो मैं ये करूंगी और बाकी जो मेरे छुट्टी वाले दिन है सैटरडे संडे, उस दिन मैं बैठ के आराम से लिंक बिल्डिंग करूंगी
और लिंक बिल्डिंग से मतलब वही ऑफ साइट एसईओ जो होती है, ठीक है, लिंक बिल्डिंग हो गई, बैक लिंक्स प्रोवाइड करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, या जो भी अपने भी आपने कोई एक पार्टनर बना लिया उससे आप एसईओ करवा रही हो, जो भी कर रही हो, और उन्हीं दिनों में आपने ये भी सोच लिया कि अगले हफ्ते का संडे को बैठ के मैं फिर जो नेक्स्ट वीक आने वाला होगा उसके आने वाले वीक में बैठ के मैं अपना नया कंटेंट कैलेंडर में डिसाइड करूंगी कि अब अपकमिंग वीक का मेरा कंटेंट कैलेंडर क्या होगा, मैं किन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ बिकॉज हम लोग ने ये रेगुलर बेसिस पे करी है। रैंक करना मुश्किल नहीं होता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कंसिस्टेंसी अगर है तो रैंक हो जाएगा। आप जो अपना अगर एसेट बनाना चाह रही हैं अमेजोन एसोसिएट्स पे तो वो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक। ठीक है सर, बस आपको आप लीड करें, हम आपके पीछे लगे हुए हैं सर। नहीं, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे एक परसेंटेज है मेरे दिमाग में जिन लोगों को मैंने सक्सेसफुल करना है इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं सांस नहीं लूंगा। मैं आप लोग मेरा जीना नहीं हराम करोगे, मैं आप लोग का जीना हराम कर दूंगा जब तक आप लोग पैसे नहीं बनाना शुरू कर दोगे। सही है, ठीक थैंक यू सो मच सर, है, यू आर नो प्रॉब्लम, ग्रेट, थैंक ऑसम। यू। जी शोएब, सोहेब, आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मोहित भाई, आपको एक बात बतानी थी जी। कि इस प्लेटफॉर्म पे सनी भाई के बाद आप वो दूसरे बंदे हैं जिसको मुझे सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। थैंक यू सो मच सोहेब, ठीक है, थैंक यू फॉर योर दूसरा कॉम्प्लीमेंट। दूसरा मैंने आपको ये बताना था, आज का सेशन आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा था लेकिन मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आया। सॉरी यार, मैं मुझे तो लग मैं रहा है कि आपको वो सिर्फ एक नहीं नहीं बड़ा बुरा सेशन था और मैं मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं असल वो उस में। वाले से नहीं, उस हवाले से नहीं मैं कर आई रहा, नो आई नो। ऐसे कह रहा हूँ कि वो मुझे मेरी समझ में ले, मैं मुझे नहीं पता इस चीज का, मुझे नहीं पता। आपने जो आपका प्रीवियस सेशन था वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का, वो मजा भी आया उसके ऊपर, मैंने वो थोड़ा सा होमवर्क भी किया उसके ऊपर, वो मजा मुझे, लेकिन ये वाला जो था ये मेरी ना बिल्कुल ही ऊपर से गुजर गया, मुझे नहीं कोई पता। बात लेकिन नहीं। अच्छा दूसरा मैं ये है एक कि आपको चीज सुनने का बताऊं, बस मजा आया मुझे। एक चीज बोलूंगा सोहेब, आप सबको बोल रहा हूं मैं। मैं शुक्र, मैं एक बात बताना चाहूंगा शायद आप लोग को थोड़ा, आई वांट यू ऑल टू कनेक्ट द डॉट्स। इस सैटरडे से ना जिसको जो भी बात करनी है रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग या अमेजोन एसोसिएट्स, द अपकमिंग सैटरडे सैटरडे है, उसमें वो लोग जो है ना उधर ईसी के ऑफिस आ जाए 12 बजे। वैसे तो हम लोग को ये बोला जाता है कि 3 घंटे देने हैं, लेकिन मैं 6 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, मैं 9 घंटे भी देने के लिए तैयार हूँ। ईसी ऑफिस आ जाओ लेकिन 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आ जाओ। जिसको जो चीज़ समझनी है वो समझ ले। मैं असल में पिछले 2 हफ्ते से जो मैंने ज्वाइन करके बैठा हुआ हूँ, मेरी 2 और क्लासेस चल रही थी ITC में और IDMP में, 2 और जगह है वहां पे। तो मेरी ईसी को मिला के टोटल हफ्ते में 9 क्लासेस थी और हर क्लास मेरी 2.5 से लेके 3 घंटे की थी। तो आप लोग इमेजिन कर लो, बोलना 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 कर करके मैं पागल हो गया था लिटरली। मुझे मजा बहुत आता है, मुझे दूसरों को सिखाने में और उनको हेल्प करवा के मोनेटाइजेशन में वाले प्रोसेस में लाने में मजा बहुत आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं सुकून मिलता है मुझे। नहीं, कराची ईसी ऑफिस। बहुत से सही है। ओवरसीज हैं, वो क्या करें? ओवरसीज वाले मुझसे जो है ना कॉन्टेक्ट करें बिल्कुल मुझसे। मैंने असल में मैंने ना अभी अब फाइनली आज 8 तारीख है, 7 तारीख को ना मैं फ्री हुआ हूँ। कल मतलब मेरी IDMP और मेरी ITC की क्लासेस खत्म हो गई हैं। कल भी मैंने इससे वर्स कंडीशन में मैंने अपनी क्लास दी है। तो मैं अब शुक्र हूँ, मतलब मैं बहुत शुक्र, बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ कि अब मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं तुम लोग को बहुत बेधड़क दूँ और बहुत सुकून से दूं, ठीक है, और मेरे अब गले को भी सुकून मिलेगा। तो आई एम श्योर कि अब ये वापस रिकवरी मोड में आएगा, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, मैं दवाएं ले रहा हूँ, लेकिन वो रिकवरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं मुस्तकिल बोला जा रहा हूँ, मुस्तकिल बोला जा रहा हूँ, मुस्तकिल बोला जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बोलने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। बहरहाल जो ओवरसीज वाले हैं उनके साथ मैं बिल्कुल सेशन करूंगा। मैं कुछ जरा मैं हमीर से बात करूंगा अब, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ कि अब मुझे किस तरह लेके चलना है, ठीक है, लेकिन बेफिक्र हो जाए, मैं आप किसी के साथ भी अनजस्ट नहीं करूंगा, सब लोग को बराबर लेके चलूंगा मैं, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके।
जी अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अमेज़न की जो सेलर आईडी होती है और जो अमेज़न की एफिलिएट आईडी होती है, ये दोनों क्या आपस में लिंक होती हैं? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एज ए एफबीए सेलर भी काम कर रहे हैं और आप एफिलिएट में भी काम करना चाहते हैं, सो दोनों की आईडी सेम होगी? और अगर फॉर एग्जांपल एक पे कोई इम्पैक्ट आता है या कोई सस्पेंड होती है, तो दूसरी का क्या होगा? नहीं, सेम नहीं होगी, ये सेम नहीं होती आईडीज। तो ये आप क्या कहते हैं उस पे, जब एफिलिएट का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप कोई अपनी आईडी या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते उनको, या नहीं, बैंक अकाउंट, पेपैल, कुछ ऐसा नहीं? पेपैल प्रोवाइड करते हो आप इसमें? बहुत सिंपल है Amazon affiliates, ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। मैं एक दिन कोई रख लूंगा जिस दिन मैं आप लोग को पूरा साइन अप करके दिखाऊंगा, लेकिन वैसे साइन अप करने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मतलब आप लोग को मैंने जो वो पूरा एक पहला सेशन दिया उसमें मैंने बताया है कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, लेकिन आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आप लोग को जो है करके भी दिखा दूंगा लेटर सेशन में। और ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लोग लेके इंशाल्लाह परेशान नहीं होंगे आप। और ये भी नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप एक ही आईपी और एक ही पीसी यूज कर रहे हैं फॉर अमेज़न एफबीए और एफिलिएट के लिए भी, तो अमेज़न को इससे कोई इशू तो नहीं होगा, या वो इसको मॉनिटर तो नहीं करते? नहीं, मॉनिटर करते हैं। अगर आप पीएल कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो और आप सेम कंप्यूटर या सेम आईपीसी कर रहे हो, आप पकड़े जाओगे और आपकी लिस्टिंग बैन हो जाएगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। जी, तो इसका मतलब है एफिलिएट के लिए आप डिफरेंट आईपी और डिफरेंट पीसी रखें, ऐसे ही होना चाहिए फिर? एग्जैक्टली नहीं, इसका थोड़ा सा डिटेल है ये, दिस टाइम वुड बी लाइक बहुत कम होगा ये मुझे आप लोगों को बताने के लिए कि इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, बट या सो बेसिकली काफी चीजों का ध्यान रखना होगा आप लोग। इसमें दो तरीके हैं आप लोग के पास, एक तरीका ये है कि आप लोग अपनी टीम खड़ी कर दो, या ईसी में आप अनाउंस कर दो कि मैं पीएल करने जा रहा हूँ, मुझे एक अपनी टीम खड़ी करनी है फॉर अमेज़न एसोसिएट्स, ठीक है? तो कौन कौन ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार है, एक। दूसरा, आप बोल दो आपको करना ही नहीं है अमेज़न एसोसिएट्स, आपने जो लोग यहाँ पे बेसिकली अपनी किचन इनकम के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं जो भी, आपने उनको बोल दिया कि भाई कोई अमेज़न एसोसिएट्स कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो इस निश में कर रहा है, या इस निश में कोई मुझे बेसिकली लिस्टिंग प्रोवाइड कर दे अपने एफिलिएट उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो अगर अब लोग करना शुरू करेंगे आपकी निश में, फॉर एग्जांपल आपकी निश थी पेट, तो किसी ने बोल दिया जी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं इन इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा हूँ, आपको बताया चाहिए स्लॉट, उसने फिर आपको बता दिया कि भाई ये स्लॉट्स अवेलेबल है, फिर आपने उससे अपनी जो भी नेगोशिएशन करनी आप करनी। ठीक है, और ये जो आप बता रहे हैं कि कंटेंट या आपने जो आर्टिकल्स हैं, ये आप फाइवर के थ्रू कोई भी हायर कर लेंगे जो आपको डेली के दो कंटेंट लिख के दे, या जितने आपको चाहिए? ये भी कर सकते हो, और ये तो मैं बल्कि बताने वाला हूँ अपनी आने वाली क्लासेस में कि आप लोग या लोकल लेवल लोकल कर लो हायर, या आप इंटरनेशनल कर लो फाइवर के थ्रू, और इंटरनेशनल में भी सारे नेशनल ही बैठे हुए हैं वैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब कंटेंट राइटर तो हूं नहीं, मैं कंटेंट नहीं लिख सकता अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, सो फॉर श्योर आई नीड समबॉडी इधर इन पाकिस्तान और इंटरनेशनली। या बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी वसीम, कैसे हैं आप? वसीम मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा, शायद आपने अपने आपको म्यूट करा हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर दें। सॉरी आपकी आवाज कट गई। वसीम आपकी आवाज नहीं आ रही। Never mind. I'll just... वसीम आपसे तो मुझे स्पेसिफिकली इसलिए भी बात करनी थी क्योंकि लास्ट टाइम तलाल आप कौन रह गया था लास्ट टाइम, मैं बताता हूँ आप लोगों को, वसीम ताहिर, शोएब, उस्मान अली, तलाल, रजन, शब्बीर, मैं इनसे बात नहीं कर पाया था लास्ट टाइम।
वसीम आपकी आवाज नहीं आ रही। वसीम एक काम करें आप, मैं आपसे क्योंकि बात नहीं कर पाया और अभी भी इश्यूज हो रहे हैं, मैं ओहो अपने अपने आपको फिर म्यूट कर दिया। हेलो नहीं वसीम नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वसीम आप एक काम करें, मैं आपको जो है ना अलग से रीच आउट कर लूंगा, आपने आपको तो पता है मेरी आपसे अभी बात चल रही थी, ठीक है, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है, आई रीच आउट सेपरेटली। ओके देन, जी ओसामा। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि इसी ने एफिलिएट मार्केटिंग का भी डाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 महीने से ना स्टार्ट किया हुआ मैंने, तो मैंने एक वेबसाइट बना ली है और उसमें 10 money site कंटेंट डाल दिए हैं, तो मैं ये राइटर से करवा रहा हूँ अभी। मुझे बेसिकली मैं मैनुअल बैकलिंक्स भी बनाया उसमें, तो अभी फिलहाल मेरी डोमेन रेटिंग 0.3 में पहुंची है बड़ी मुश्किल से 1 महीने में, तो मुझे पहले तो यही पता करना था कि SEO किस तरह से होंगे, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड के आगे आप कैसे को चलिए। तो जबरदस्त बात है, आप मुझसे इन कांटेक्ट करिएगा, आपकी Amazon एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हैं आप? जी जी Amazon एफिलिएट के ऊपर। अच्छा, और आप अप्रूव कर दिया Amazon ने आपको? जी जी अप्रूव मुझे एग्जैक्टली मतलब ईमेल स्पेसिफिकली नहीं आई कि अप्रूवल हो गया, लेकिन एक ईमेल पे ये मतलब उन्होंने मेरे पेनियन अकाउंट में $0 डाले थे, तो उसके बाद से मुझे लगा कि हो गया होगा ऑब्वियसली। ओके ठीक है, मतलब आप वो लोग क्या अलग से ईमेल करते हैं अप्रूवल की? यार Amazon पे ना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब शायद उन्होंने तुमने ये बोला है तो मैं थोड़ा इट केम as not as a shock to me but as a surprise because Amazon pe na asal mein Amazon tara kuch kabhi kabhi mushkil se karta hai proof, kabhi kabhi aasani se kar deta hai, to kya reason ho sakta hai wo main aap logo ko baad mein bataunga, lekin achhi baat hai agar aap approve ho gaye ho to you can start your journey then. हाँ मैं असल में अभी उसमें से जो उन्होंने कोई साइट स्ट्राइक करके एक्सटेंशन दिए जिसमें से आप ना प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे ना, तो मैं प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ उसकी तस्वीरें वगैरह ना, उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज इशूज आ रहे हैं मुझे वर्डप्रेस में यूज़ करने पे कि कैसे डालनी है और ये वो ना, तो मैं आपसे इंशाल्लाह सैटरडे को मैं आऊँगा आपसे मिलने ना 12 बजे, तो मुझे गैस पोस्टिंग का भी पूछना है और बाकी अगर आगे SEO बाकी जो ऑटोमेटिक बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं लोग, मतलब वो भी देख रहा था कि हजारों बैकलिंक्स 11 दिन में 12 दिन में मुझे समझ नहीं। ये इसमें जरा स्पैम वाला काम भी होता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर आप क्वालिटेटिव करें, आप कोई एक बंदा रखें या कोई ट्रस्टवर्दी बंदा उठा ले एज अ फ्रीलांसर फाइवर वगैरह से, या आप खुद सीख लें। अच्छा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ। अच्छा, तो क्वालिटेटिव बैकलिंक्स होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव में तो अगर आप करें ना तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊं तो आप हैरान भी हो जाएंगे। ब्लेड एंड गेम कौन सा था, एक मिनट रुकिएगा, मैं अगर नजर आता है तो मैं ब्लेड एंड मैं भूल गया हूँ एक बहरहाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे बैकलिंक्स कैसे होते हैं। ठीक ठीक, नहीं मेरे कुछ बैकलिंक्स मैंने बनाए हैं उसमें, लेकिन काफी टाइम लगता है ऑब्वियसली, वो फोरम्स में जाके वो अपने आईडी बनाना और वो करना, वो पूरा पूरा दिन लग जाता है, टाइम लगता है, टाइम हाँ तकरीबन 100 backlinks मैंने बनाए थे मैन्युअली, लेकिन वो उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा 1 महीने में। नहीं नहीं बेफिक्र हो जाए, देखें असल में SEO ना एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है टाइम लगता है, लेकिन अपना टाइम लेगा, लेकिन हो गया तो फिर उसके बाद इसका जादू जो होगा ना उस पे मजा आएगा आपको। टाइम लगता है बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार हो गया रैंक फिर आपको हटाने में भी कोई आप आराम से नहीं हटोगे फिर अपनी जगह से। हाँ, आप फिर हल्का हल्का काम करते रहोगे, आप रहोगे अपनी जगह पे। चले मैं और कंटेंट अभी रेडी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये डोटा 2 लैग लिखा था मैंने, इस प्रोजेक्ट को बंद हुए भी 1.5 साल हो गया, ये देखें 1.5 साल से इस कीवर्ड पे नंबर 1 बैठा हुआ है, आप इमेजिन कर रहे हो 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पे एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ, एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ, यहाँ तक ओनर भी नहीं देख रहा है, 1.5 साल से ये कीवर्ड नंबर 1 पे आया हुआ है।
और ये एक सर्च्ड कीवर्ड है, लोगों को इश्यू पेश आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.4 मिलियन रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एसईओ पे ढंग से रैंक हो जाओ ना, तो उसके बाद आप हटाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरा आर्टिकल भी, ये देखे पहला आर्टिकल दिखाया मैंने आपको, दूसरा आर्टिकल भी इसी कंपनी का रैंक्ड है, हमारे ही, मतलब मैंने इस पेपर काम करा हुआ है। सही। चले चले फिर मैं आपसे सैटरडे को मिलूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है इंशाल्लाह। जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी काशिफ, आपके कुछ सवाल थे आप मुझसे करें, मुझे याद है आप। जी। अच्छा, मैंने एक वो समरी एक बनाई थी, वो अपना वन नोट पे लिखी थी, वो शायद सही से पेस्ट नहीं। बेसिकली आज जो आपने बात की है वो दो, एक एसईओ टाइप्स की बात की है, ऑफ साइट एसईओ और एक ऑन साइट एसईओ, जो बेसिक आज इसी के ऊपर हमने बात की है ना, सरसरी सी। हाँ सरसरी सी। अच्छा, ऑफ साइट में जो मैं समझा वो ये है कि किसी और वेबसाइट के थ्रू जो है आपकी मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, और ऑन साइट वो है जो कि आप अपनी वेबसाइट के ही थ्रू जो कर रहे होते, ऐसा ही है? बिल्कुल, ऑन साइट आ जाती है पेज रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी साइट कितनी तेजी से लोड हो रही है, मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग सही लगे हुए हैं। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चाइनीज है, लेकिन एक बार जब मैं आ जाऊंगा ना तो आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो रिक्वायरमेंट्स होंगी, चाहे वो ऑफ साइट हो चाहे ऑन साइट हो, के एक एसईओ का बंदा और एक कंटेंट राइटर हो, ये दो मेन है? एक एसईओ का बंदा और एक कंटेंट राइटर हो, यस। ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना था। अच्छा, बाकी जो गेस्ट पोस्ट है और बैकलिंक्स है, इसके ऊपर तो बहुत से सवाल आते हैं, तो ये मैं कोशिश करूंगा इसी कराची ऑफिस में ही आपसे पूछ लूं, क्योंकि और भी लोग होंगे जो के चाहेंगे कि ये क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या चीज है। मैं तो सबको बोल रहा हूँ कोई मसला नहीं, सैटरडे को आओ, रोज बैठो। मैं देखो ईसी ऑफिस जो है ना वो समझो एक गैदरिंग का एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त बनाने का है थोड़ा। हाँ बस छोटा है थोड़ा, वो बिल्कुल ही भर जाता है। आई नो, बट इंशाल्लाह अभी इनक्यूबेटर्स बन जाएंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद, और मैं सुना बहुत बड़ा है इनक्यूबेटर जो अभी होने वाला है, होपफुली जब भी होगा, तो वहाँ पे ना बैठो, बात करो, शुगर लगाओ, कोई मसला नहीं पूरे दिन। तुम्हें पता है कितने ऐसे लोग हैं ईसी ऑफिस में जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, सुबह 12 से 9 बजे तक बैठते हैं ऐसे ही, जी ऐसे ही, बस वो हेल्प करते हैं लोगों की। सही। अच्छा, एक और चीज थी, सजेशन था बेसिकली कि आपने वो लास्ट टाइम भी ये डोटा की एग्जांपल दी थी, गेमिंग के से हट के अगर कोई आप एक और अगर कोई एग्जांपल देना, क्योंकि ये तो हर एक का। अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दे दूं, बिकॉज़ मेरे पास एग्जांपल्स बहुत हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। हां, बेशक नेक्स्ट टाइम ही दे, नेक्स्ट टाइम ही, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच। जी सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम मोइस। मोइस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अभी आपके ये आर्टिकल्स आप जितने लिखेंगे, क्या हर नीश के लिए आप अलग वेबसाइट बनाते हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क? हर नीश के लिए यस, लेकिन अब देखो, एक होता है नीश, एक होता है फिर सबसेट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोग बताते हैं, लेट्स सपोज हेडफोन्स एक निश है, ठीक है, तुमने हेडफोन्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, इसमें सबसेट क्या हो गई, सबसेट एक हो गई गेमिंग हेडफोन्स, एक हो गया म्यूजिक हेडफोन्स। तो अब तुम्हें इसमें तीन तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के, एक बनाएंगे हेडफोन्स के ऊपर एक पूरी साइट, और उसमें ही वो लोग अपनी साइलोस बना देंगे, गेमिंग हेडफोन्स के, म्यूजिक हेडफोन्स के और स्पोर्ट्स हेडफोन्स के। तुम लोगों को पता है कुछ लोग स्पोर्ट्स के लिए भी यूज करते हैं एयरफोन्स वगैरह, ठीक है, ये तीन कैटेगरी। फिर ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे जो सिर्फ एक पूरी साइट खड़ी करेंगे सबसेट निश के ऊपर, जो कि होगा गेमिंग हेडफोन्स, ठीक है, और एक और सबसेट होगा बिल्कुल एक अलग साइट, वो होगा म्यूजिक हेडफोन्स। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सब तुम्हें, okay. ये डिफरेंट तरीके हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वेबसाइट बना के उसमें किचन के आइटम्स की भी बात कर रहे हो, तो उसमें आप हेडफोन्स की भी बात कर रहे हो, और उसी नहीं, में आप मैं नहीं रेकमेंड करता। अगर आप ये करते हो ना, तो हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप रैंक नहीं कर सकते, आप फिर अपना प्रोजेक्ट रखो 2 साल रैंकिंग का,
एक बड़ा अपना वो जो है ना स्कोप बना के चलो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं मेरे पास 2 से 3 साल का बजट है, 2 से 3 साल का बजट है, मैं एक बड़ी $15,000 $35,000 पर मंथ वाली साइट खोलना चाह रहा हूँ, मैं फिर इस चीज की तरफ जाऊंगा। राइट, ठीक है। अच्छा बीच में आपने एक बात की थी कि रिस्क एपेटाइट आपने कहा था, फिर आपने कहा नहीं रिस्क एपेटाइट तो इसमें कुछ नहीं है, तो उससे क्या मुराद है आपकी? क्या ये इन्वेस्टमेंट या जो टीम हम बनाएंगे डजंट मीन ये रिस्क फ्री है? रिस्क फ्री किस तरह, मैं बताता हूँ। रिस्क फ्री मैंने इस वजह से बोला है कि बंदे का ज्यादा, अगर ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा रहे हो, खुद से काम कर रहे हो या दो लोग मिलके काम कर रहे हैं और बस आप बोलते हो, लेट्स सपोज मैं बात बोलता हूँ, मैं आज से 9 साल पहले या 10 साल पहले मैंने 3 महीने के लिए एज अ कॉन्टेंट राइटर हायर हुआ था एक कंपनी में, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरा कैरियर हेड स्टार्ट था, तो मैं ये SEO आर्टिकल्स और कम्युनिटी आर्टिकल्स और न्यूज आर्टिकल्स भी लिखता था मैं, 3 से 4 महीने की बात है ये, फिर मैंने स्विच कर दिया था। तो मैंने कंटेंट राइटिंग भी करी हुई है, मैं SEO भी जानता हूँ, मैं चाहूँ तो आज अपनी साइट खड़ी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो आज मुझे किसी भी टीम मेंबर की जरूरत नहीं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, 20,000 रुपए 25,000 रुपए, होस्टिंग ली, डोमेन लिया, आज से स्टार्ट कर दिया, खत्म। अच्छा मैं थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी जानता हूँ, मैंने ये कैनवा का अपना अकाउंट लिया हुआ है, सही है, एक मिनट रुकिए, ये मुझे यूआई तंग कर रही है इसकी, कैनवा का ये अकाउंट लिया हुआ है मैंने, सही है, इस पे मैं फाइवर पे जो है ना लोगों को जो है ना बेसिकली उनके डिजाइन वगैरह बना के देता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ, सही है। तो और फिर मैं फेसबुक एड्स भी जानता हूँ, गूगल, मतलब मैं बेसिकली हाइब्रिड मार्केटर हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि नहीं यार मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, मुझे खुद काम करना है, और ठीक है मैंने शुरू कर दिया। लेकिन ये बात थी पहले की, अब मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, अब मैं 32 साल का हूँ, मैं ये काम स्टार्ट करता 24-26 साल की उम्र में, तो समझ आता। अब इस पॉइंट पे मेरी कुछ सेविंग आती है, मैं ये बोलूंगा चलो सही है SEO में देख लूंगा, आर्टिकल्स में लोगों से लिखवाऊंगा, या अगर मैं ज्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ तो SEO भी मैं किसी और से करवाऊंगा, मैं आर्टिकल से किसी और से करवाऊंगा, ये प्रोजेक्ट में टोटल ऑटोमेशन पे रखूंगा, मतलब VS को दूंगा मैं और मैं लिया करूंगा ये काम, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट लग रही है, पैसा डूबेगा नहीं। देखिए आप इसमें असल में सीन ये, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत रिक्वायर्ड है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो पैसा डूबेगा, ओके, अगर कंसिस्टेंसी है तो इवेंचुअली आप रैंक करोगे, ओके। अच्छा अभी आप अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो अमेज़न के अकाउंट अगर अप्रूव नहीं हो रहे तो फिर हमारा रेवेन्यू जनरेशन का क्या मॉडल होगा? क्या सॉरी, जैसे अभी अभी आप किसी से बात कर रहे थे अकाउंट के अप्रूवल से रिलेटेड, अमेज़न एफिलिएट अकाउंट से के अप्रूवल से रिलेटेड, तो अगर अप्रूव नहीं हो रहे तो फिर रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल क्या चेंज हो जाता है? पहली चीज तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता है अप्रूव ना हो, टाइम लग सकता है अप्रूव होने में, लेकिन अप्रूव होगा। अगर अप्रूव नहीं हो रहा तो आप उसी साइट को यू टर्न घुमाओ और आप उसको CPA मॉडल पे ले जाओ विद क्लिक बैंक विद मैक्स बाउंटी या दूसरी तरफ। ओके हाँ, एक और भी ज्यादा तरीका है इसमें, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप उसको यू टर्न घुमाओ और आप उसको ड्रॉप शिपिंग की तरफ ले जाओ। एक सिर्फ मैं आप लोग को शायद एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप एक ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी हमने लिखा है, ये किल्पिंग, किल्पिंग में उस वक्त से दिखा रहा हूं ना, किल्पिंग की अपनी शॉप भी हुआ करती थी ड्रॉप शिपिंग की, shop.kilping.com पे, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं खुलेगी, बंद हो चुकी है, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, ये Shopify पे बनी भी शॉप है, लेकिन ये साइट जो है ये WordPress पे बनी भी है, इनका सिर्फ एक सेक्शन जो है ना वो Shopify पे बना हुआ है जो कि e-commerce का है। अब हमने ये आर्टिकल लिखा बेस्ट CSGO नाइस के ऊपर,
एक मिनट रुकिएगा यार, एक सेकंड रुकिएगा, आप ये देख रहे हो CS:GO, शायद आपने गेम के बारे में सुना हो, काउंटर स्ट्राइक शायद सुना होगा आप, उसके अंदर ना ये एक्चुअल नाइव्स है जो उस गेम के अंदर, सही है, जो अली एक्सप्रेस पे बिक रहे, उन्हीं उनके ही मॉडल रेप्लिका रियल लाइफ में। अब आप यहाँ पर आओ ना इस आर्टिकल पे, तो आप ये देखिए इस कीवर्ड के ऊपर नंबर वन रैंक हुआ है, 10 मोस्ट एक्सपेंसिव CS:GO नाइफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते इनकी मंथ ऑन मंथ ऑर्गेनिक सेल्स शॉपिफाई पे इतनी जबरदस्त आती थी ना इस कीवर्ड के ऊपर, आप सोच नहीं सकते, मतलब बहुत अच्छी आती थी, मजेदार आती थी। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि $30,000 आती थी, मैं बोल रहा था अच्छी आती थी, मतलब ऐसी कि आप बोलोगे कि यार आपके एड्स नहीं लग रहे, आपकी एड स्पेंड नहीं लग रहा, आपका पैसा नहीं लग रहा, और ऑर्गेनिकली आपके पास सेल्स आई जा रही है। राइट, समझ गया। बहुत मजेदार सेल्स, और क्या सेल की सेल भी हो रही है। अब आप ये देखें यहाँ पे ये आया हुआ है बेयोनेट नाइट 6, असल में ये मतलब गेम के अंदर ये $650 to $700 का है, सही है। यहाँ पे इन्होंने ना कॉस्ट रिडक्शन डाला हुआ था, जो क्या बंदों ने हटा दिया शॉप का, कि बाय दीस नाइट्स फ्रॉम आवर शॉपिफाई स्टोर, अब हटा दिया इन्होंने, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप शॉपिफाई की तरफ ले जाओ अपने स्टोर को, अगर एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न पे नहीं हो रहा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता, आप शॉपिफाई पे ले जाओ। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। अच्छा, ओके, एक मिनट, मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद और लाहौर इसी ऑफिस आ जाऊंगा। जी सिकंदर, नहीं मोहित, अभी हमारी बात हो गई ऑलरेडी। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, मैं एक समरी बता देता हूँ आप लोगों को। आज के सेशन में हम लोग ने बेसिकली पहले तो कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात करी है, दूसरा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बताया कि हम लोग किन चीजों के ऊपर बात कर रहे होंगे, सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि एक ऑटोमेटेड टीम की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सही है, बिल्कुल ओवरव्यू दिया है, डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं समझाया, ओवरव्यू दिया है कि SEO के क्या क्या काम होंगे, कंटेंट राइटर के क्या क्या काम होंगे, ठीक है, और ये आप लोग के बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना एग्रेसिव जा सकते हो। मैं आप लोग को तीन कैटेगरीज में बता दूंगा, एक मीडियोकर पेस, एक एग्रेसिव और एक बिल्कुल स्लो पैसिव तरीका, ठीक है। आइडियली तीनों के रैंक करने के क्या है, कोई इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि नहीं पैसिव तरीके में आप हो सकते हैं, पैसिव तरीके में आप 3 महीने में रैंक हो जाओ, और एग्रेसिव तरीके में आपने इतने मुश्किल कीवर्ड चूज करे में कि आपको 1 साल भी ना लगे। अब आप सोचोगे एक एग्रेसिव में तो मैंने सोचा था 3 महीने में रैंक हो जाऊंगा, वो एग्रेसिव में आपने फिर मुश्किल कीवर्ड्स उठाए जिससे पैसा आपके पास ज्यादा आएगा इस वजह से, ठीक है। ऑल इन ऑल मैंने मेनली इन सारी चीजों के बारे में बात करी है आप लोग से, ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये बताया कि मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात कर रहा हूँ, और SEO की मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑन साइट और ऑफ साइट, ठीक है, तो दैट्स प्रीटी मच इट। एक मिनट रुकिएगा, ओके, जी तलहा, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है मुझे। मैंने पहले पूछना था कि हाउ डू वी गेट आवर वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट पहले महीना पहले रैंक होगी, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे Amazon affiliate marketing के लिए, या क्या इसका प्रोसीजर क्या होगा? मतलब देखिए, मैं जो सही तरीका समझता हूँ ना, लेकिन आप लोग साइन अप आज भी कर सकते हो, लेकिन जिसका जो बेहतर तरीका है वो ये है, बेहतर तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आप अपनी साइट बनाओ, जो जिन इस टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करी हुई है या सोचा हुआ है उनके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दो, आर्टिकल्स डालना शुरू कर दो। 3 महीने तक आप कुछ नहीं करो, अमेज़न के बारे में मत सोचो, करना है अमेज़न पे जाना है आप लोग को, आप लोग अप्रूव भी होंगे। 3 महीने आप लोग का फोकस अमेज़न पर
ये नहीं होगा कि मैं किसी तरह अप्रूव करा दूं। 3 महीने आपका फोकस होगा, मैंने अप्रूव 100% हो गए, पहले ये दिल में आप लोग सब उतार लो, अप्रूव 100% हो गए आप लोग, डिसअप्रूव नहीं हो गए, अप्रूव 100% हो गए। तुम लोग का 3 महीने का फोकस ये है कि मैंने अभी कमाने का नहीं सोचना, मैंने सिर्फ SEO के ऊपर काम करना है, मैंने सिर्फ आर्टिकल्स के ऊपर काम करना है, मैंने अपनी साइट के ऊपर काम करना है, लुक एंड फील अच्छा बनाना है, इसको मैंने ऑप्टिमाइज करना है कि जब कंज्यूमर आए तो वो कन्वर्ट करे। बस 3 महीने का आप लोग का स्कोप ये होगा, ठीक। और हम सेम PayPal अकाउंट इधर भी यूज कर सकते हैं जो हमने प्राइवेट लेबल के लिए रिबेट के लिए यूज करना है। जी PayPal आप यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके जी आसिम जी, मोहित भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही। सेशन बहुत जबरदस्त था। बस एक पूछनी थी आपसे कि हम होस्टिंग वगैरह या जो भी वेबसाइट बिल्डिंग अगर हम अभी से बनाना शुरू कर दें आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक, लाइक हम वर्डप्रेस पे जाए या आप हमें स्टेट ऑफ वेब बता दें ब्लूप्रिंट्स की, यहाँ से शुरू करो यहाँ पे, यानी खुद से रिसर्च करने के बजाय अगर हम स्टार्ट करें तो वो टाइम के साथ बिल्डअप होता जाएगा और फिर वो लाइक उसका मैच्योर लाइक टाइम के साथ वो अमेज़न के लिए रेडी हो जाएगा, जैसे बता रहे 3 महीने का टाइम, तो एक वो अगर आप हमसे स्टार्ट राइट अवे करवाना शुरू कर दे जो इंटरेस्टेड। मैंने असल में ना आज के सेशन में मैंने सोचा हुआ यही था कि मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी एनर्जी बहुत लगती और मेरी गले की और ऐसी की तैसी हो जाती। सॉरी मैं आज उस टॉपिक पे नहीं आ पाया, नहीं तो आप लोग को जो असल में मैंने उसी टॉपिक पे बात करवानी थी, ठीक। तो मैं वो ठीक है, बस वो मैं सोच रहा था कि एट द बैक ऑफ द हेड आप लोग समझ लो, आप लोग ने एक जगह से होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग लेने की 10 जगहें हैं, टॉप 10 होस्टिंग्स करके सर्च कर लो, ये वो मिल जाएंगी, उसका कोई वो नहीं है कि नहीं ये होस्टिंग ज्यादा बेहतर वो होस्टिंग ज्यादा बेहतर। मैं ब्लू होस्ट की लेता हूँ, आप लोग चाहो ब्लू होस्ट की ले लो, आप लोग चाहो तो नेम चीप की ले लो, वो तो नाम सेलेक्ट करते साथ सॉरी वहां से नाम कई नाम एक डिसाइड कर लो, कोई साइंस नहीं है नाम के लिए, मैंने लास्ट सेशन कर दिया था। होस्टिंग के लिए जो है आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप कर लो। वर्डप्रेस पे हम काम कर रहे होंगे, ठीक है, वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे और फिर वहां से मैं आप लोग को स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। अब बस एक उसको इसी टीम को रिमाइंड करवा दी वो वीडियो अपलोडिंग की, क्योंकि वो टाइम के साथ प्रैक्टिस होता जाएगा तो आपके जो नए सेशन है उसमें फिर और भी हम अपडेटेड होंगे और ज्यादा चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है, मैं बोल देता हूं। और बस क्योंकि हम ओवरसीज है तो ओवरसीज के लिए भी जैसे आपने प्लान किया ऑफिसेज में जाने के लिए, ओवरसीज में भी आप अगर कोई सेशन रख ले जो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर हो, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना जो आप पाकिस्तान में है और जो उधर होंगे आपसे मिलने के लिए, तो उस लिहाज से भी जरा आप सोचिएगा। बिल्कुल और लास्ट जी 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 लास्ट थिंग, आप ओवरसीज के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ख्याल में अभी भी ऐड नहीं है, फेसबुक में तो ठीक है लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ओवरसीज जो बीसी का ओवरसीज ग्रुप है उसमें मेरे ख्याल में आप नहीं, मैं आ गया हूं, ओवर बीसी का जो ईसीबीसी का जो वो है ओवरसीज के ग्रुप उसमें मैं आ गया हूं, नहीं बीसी का सॉरी बीसी में नहीं हूं, 11 में हूं। ओके ठीक है, नहीं बीसी का, हम बीसी के स्टूडेंट है। अच्छा नहीं नहीं मैं बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं, ओके थैंक यू। जी अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहित भाई, कैसे हैं आप? मैं बस जैसे ही हूँ, जैसे देख रहे हो। अच्छा थैंक यू मोहित भाई अनम्यूट करने के लिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये था कि एक तो आप इस्लामाबाद कब आएंगे इसी जी जिनका ऑफिस है जी, और दूसरा मैंने एफिलिएट अमेज़न एफिलिएट का जो अकाउंट है वो कनाडा से ना अपने कजन से बनवा लिया, ओके तो क्या मैं उसको अगर मैं यूज करना चाहूँ पाकिस्तान से पाकिस्तानी आईपी से क्या मैं इसको यूज कर सकूंगा? बिल्कुल यूज कर सकेंगे, 100% यूज कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप VPS ले लें या कोई ऐसा काम कर लें जैसे आप लोग अपने Amazon IDs के लिए कर रहे होगे ना, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग को इसकी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई होंगी कि सेफली यूज करना है. तो इसकी भी यही है कि आप लोग सेफली, अगर कैनेडा से बनी हुई है तो यहाँ से आप जरा बहुत केयरफुली उसको हैंडल करें. अच्छा एक और चीज़ है ना, एक जनरल बात है वैसे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन काम है ना, इंसान अगर कनाडा से वी1 बनाता है तो दुनिया में कहीं भी जाके वो यूज़ कर सकता है. तो ऐसा वो अमेज़न लेट्स सपोज वो ऐसा नहीं सोच सकता कि यार हाँ ये बंदा कनाडा में था, चलो अभी पाकिस्तान गया होगा या ऐसे कुछ भी VPS, क्योंकि मेरे पास है नहीं. नहीं बिल्कुल हो सकता है, फिर आप फिर यहीं से यूज़ करें फिर इन केस. लेकिन अगर आप ऐसा होगा, लेट्स सपोज मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं आज कनाडा में एक घंटे बाद पाकिस्तान से लॉगिन हुआ, उसके चार घंटे बाद कनाडा से लॉगिन हुआ, फिर उसके बाद कनाडा से लॉगिन नहीं होगा कभी. हाँ तो आइडियली मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कनाडा से बनी हुई है तो मैं वैसे बोलूंगा कि ना करो तो बेहतर है, लेकिन रिस्क लेने वाली बात है. मतलब क्योंकि मेरे पास इतने इंस्टेंसेस ऐसे आए नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक ऐसा रेयर केस है कि जो आप मुझे बता रहे हो, तो इत्तेफाक से मैंने देखा नहीं, लेकिन आप बोलते हो तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर लूंगा मजीद. और थैंक यू मोइज़ भी. और कब आ रहे हैं इस्लामाबाद वाले? इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ. आई थिंक ये रजी वगैरह भी आते रहते हैं राइट, क्योंकि मैं असल में यहाँ पे नया आया हूँ मैं अभी, है ना जी. हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ मैं लोग से और मैं इंशाल्लाह आता हूँ. थैंक यू सो मच मोइज़ भाई, बस मेरा यही क्वेश्चन था. चलो सही. ओके जी ज़ुबैर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम कैसे हैं आप मुझ भाई? अलम जी जी बस मुझ भाई, सबसे पहले सेशन बहुत ज़बरदस्त था आपका आज का. अच्छा मुझे एक सवाल करना था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और अभी शायद अहमद ने वो सवाल किया था. अगर हमारे पास मतलब सैलर अकाउंट है और हम मीटू कर रहे हैं, तो उस सेम आईडी पर ही हमारा वो एसोसिएट वाला अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता? सॉरी फिर से बोलिएगा. अगर हमारे पास ऑलरेडी एक अमेज़न का अकाउंट है, तो उसी आईडी पर ही हमारा अमेज़न का अकाउंट बन सकता है, वो एसोसिएट का अकाउंट बन सकता है? नहीं, अमेज़न अलाउ नहीं करता कि आप बेसिकली देखिए, ऑब्वियसली अगर आप अमेज़न पे पीएल कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो, तो फिर अमेज़न को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और आप अपने ही प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो. अच्छा तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी? एक सेशन अगर आप उस पे रख लेते आप तो बड़ा अच्छा. हाँ मैं वही साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ तुम लोग के कंसर्न्स ना. ठीक है तुम्हारा ये था कंसर्न कि ओके ठीक है, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी ना नॉलेज नहीं हो पा रही है. अच्छा और आप कह रहे हैं कि पहले अपनी एक आप वेबसाइट डेवलप करें, उस पर 3 से 4 से 5 महीने उस पर वर्क करें, फिर उसको जाके आप Amazon के ऊपर एनरोल करें राइट? एग्जैक्टली मैं साथ साथ लिख रहा हूँ तुम्हारे पॉइंट्स. ठीक है मैं समझ गया. इसके ऊपर जी बिल्कुल, क्योंकि आईडी की जो मेकिंग का इश्यू है ना, ये जरा क्लियर हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा. ठीक है मैं समझ गया. ठीक है मुझ भाई बस यही मेरा एक सवाल था, बाकी तो सब. और बहुत ख्याल रखें अपना. थैंक यू. ठीक है थैंक यू. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. मैंने लिख लिया ज़ुबैर अपने पास. ठीक है और मैं जो हूँ इसको आई विल गो थ्रू दिस एंड जस्ट क्रिएट ऑल द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीएल पर्सन जो पीएल कर रहा हो, होलसेल कर रहा हो, कि वो कैसे करे. जी राहिल. हेलो अच्छा चलो तुम मुझे अभी यहीं पे भेज दो तुम्हारा जो भी है मसला या क्वेश्चन है. आई कैन टाइप माय या यू कैन टाइप योर क्वेश्चन हियर. ठीक है जी वजाहत. अलैकुम अस्सलाम. अच्छा आप पूछना ही था, मेरा इंटरनेट
वैसे अनस्टेबल है। जैसे आपने मुझे दिखाया है अभी सेशन के अंदर के एम्पायर फ्लिपर के ऊपर भी एसोसिएट्स के वेबसाइट्स लगी हुई हैं फ्लिपर एज एन एसेट, तो ये कितने पुराने अकाउंट हैं जो ये एसेट पे आते हैं? 5 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब हम इतना बड़ा एसेट हम एफिलिएट्स का भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर उस पे ना फोकस, फिर फोकस लेवल भी वही वाला चाहिए होता है। फिर आप बड़ा गेम खेलते हो एफिलिएट्स पे, फिर आप बोलते हो कि नहीं यार मैंने जो है ना एक साइट के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज रखनी है और मैंने फिर बड़ी टीम बनानी है और उस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा सा ये चक्कर आ जाता है उसमें। मतलब लेट्स सपोज अगर हम जो पीएल का एसेट का हम इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हुए हैं जिसमें 15,000 से $20,000 है, $25,000 है, हम उसका हाफ भी अगर $5,000, $7,000, $8,000 भी हम अगर एफिलिएट के लिए कर दें और इससे स्टार्ट करें, तो क्या वायबिलिटी है कि हम कितनी जल्दी, बजाय इसके कि हम स्लो प्रोसेस से गुजरते रहें, टीम बनाते रहें, या हम पहले इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी टीम? देखिए अगर मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे $30,000 पर मंथ वाली वेबसाइट चाहिए, एसेट चाहिए, जो $30,000 से $15,000 to $13,000 पर मंथ मुझे दे रहा हूँ। तो मैं अपनी ना प्लानिंग 2 से 3 साल की रखूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं अपनी जगह रख के सोच रहा हूँ, तो मैं उस लिहाज से मैं बोलूंगा कि मैं जो ना 2 से 3 साल मैं पैसा लगाऊंगा और अभी मैं उस 2-3 साल अगर रिटर्न आता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस 2-3 साल में रिटर्न नहीं पूछूंगा, मैं रिटर्न देखूंगा 3rd साल के एंड में या 2nd साल के एंड में, वो डिपेंड करता है। सपोज आप $10,000 पर मंथ निकाल रहे हो या $5,000 पर मंथ निकालना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे कि 2 से 3 साल की प्लानिंग होगी इसकी। अगर आप $30,000 तक जा रहे हो तो ये 3 से 5 साल तक की प्लानिंग है। मैं ये नहीं बोला ये पहले नहीं हो सकती, ये पहले भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, नंबर ऑफ रिसोर्सेज यू हैव ऑन बोर्ड, कितने लोग टेक्निकली साउंड हैं, राइट, और एग्जैक्टली आपका कॉम्पिटिटर जो 15,000 to $30,000 पर मंथ कमा रहा है वो क्या स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, इस इनकम को अचीव करने के लिए हमें मंथली एक रफ एस्टीमेट क्या होगा कि हमें भाई ये लगाना ही लगाना है इसके लिए? तो मैंने क्योंकि वो जनरेट भी तो कर ही रहा होगा ना कुछ तो जनरेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन मैं अभी उस चीज को इन कंसिडरेशन नहीं रख रहा। आपको आवाज आई मेरी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आई है। मैं बोल रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है बीच में ही जनरेट करना शुरू कर देगा, लेकिन मैं अभी उस चीज को ना कंसिडरेशन में ला नहीं रहा जानबूझ के, ताकि एक इंसान ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए दिमाग में एक प्लान बना के रखे। तो वो बनाएगा, लेकिन उसकी चीजें डिपेंड करती हैं ऑन सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है? तो अभी मैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं जा रहा। बिल्कुल 100% बना रहा होगा आपका प्लेटफॉर्म अगर आप इतना, इफ यू वांट टू गो दैट बिग, ठीक है? फिर उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट है, आई रियली हैव टू सिट डाउन एंड कैलकुलेट दैट, लेकिन इट्स अ डूएबल प्रोजेक्ट। अगर आपके पास, मैं बोलूंगा एक डेवलपर हो, ठीक है, आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 कंटेंट राइटर्स हो, एक एसईओ का बंदा चलेगा, कम्युनिटी मार्केटर्स जो हैं वो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 हो, सात आठ लोगों की टीम, मैंने आपको भी बता दिया, एक आपका मैनेजर होना चाहिए ऑब्वियसली जो आपको रिपोर्ट्स देता रहे, मतलब 8 से 9-10 लोगों की टीम होनी चाहिए। मतलब let's suppose कि ये हमारा मंथली लमसम अगर हम करें तो 3-3.5 लाख रुपए महीने का खर्चा पड़ जाता है हमें 8 से 9 लोगों की टीम का। ये जो 10 लोगों की टीम मैंने बताई है ना, ये मैं बोलूंगा कि पेरोल जो आपका जा रहा होगा मंथ ऑन मंथ वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जा रहा होगा। ओके सही। तो मतलब हमें जैसे मैंने बात की कि अगर मैं $7,000 में, तो फिर तो वो इससे इन्वेस्टमेंट आगे चली जाती है ना बात। हाँ, ये तो एक मंथ में खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर हमें चाहिए होगी। हाँ, exactly. तो इतना बड़ा एसेट नहीं खड़ा हो जाएगा कि वो $5,000-6,000 खुद बना। हाँ, लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे, इस पूरे मॉडल की सबसे मजेदार बात ये है कि अगर आपका एसेट खड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं बड़े गेम की बात नहीं कर रहा, मैं तो $500 वाले माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि लोगों को मैंने सिखाना है, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लेट्स सपोज एक बात कहते हो, आप बड़ी गेम खेलते हो,
ठीक है, और आप चले गए, 2-3 साल बाद जो आपका एसेट खड़ा हुआ होगा ना, आपको आपके कीवर्ड से कोई हिला नहीं पाएगा, और आप ये इमेजिन करो कि आपका पैसा नहीं लग रहा होगा, आपका फिर पैसा उन बैठे हुए उन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप बैठे हुए हो उनसे सिर्फ पैसा आ रहा होगा आपके पास, आपकी प्लानिंग फिर बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी होगी और कैश फ्लो बहुत क्रेजी होगा। ऑर्गेनिक से जो पैसा आता है ना, वो फिर ऐसा आता है कि आप बोल रहे होते हो कि यार मेरे खर्चे क्यों नहीं हो रहे हैं और पैसा ही आ जा रहा है। अगर ऑर्गेनिक पे आप रैंक बंद, आप अपना प्रोजेक्ट बंद करोगे ना, प्रोजेक्ट बंद करने के बाद भी 2 साल तक आप कमाते रहोगे बैठ के, तो इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनिक का। ठीक जी, वो मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है तो मुझे आवाज नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इसको रिकॉर्डिंग में देख लूंगा जो आपने बोला। अच्छा, दूसरी बात ये कि वैसे एक छोटा सा टोटका है, अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो देसी प्याज और अदरक शहद के साथ मिला के रोज रात को सोते वक्त खा लिया करें। देसी प्याज और अदरक की एक डली, ठीक है, शहद के साथ मिला के रात को, तो एंटीबायोटिक की जगह ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा आपको, अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं आप। हाँ, वो ले रहा हूँ मैं। अच्छा, I'll definitely give it a try. क्योंकि मैं ये personally try करता हूँ, antibiotics तो लिए हुए ज़माना हो गया मुझे। अच्छा, चलें, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया। Okay then, thank you. जी अवैस। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम। जी, मुझे पहले भी आपने unmute किया था, लेकिन दोबारा फिर वो mute हो गया मैं। मुझे ख्याल आया, मुझे लगा मैंने शायद कुछ गलती कर दी, वो शायद आगे पीछे हो गया, I'm sorry. चले, no worries. असल में मैं बताना कुछ एक दो चीजें चाह रहा था। मैं 2007-08 से affiliate marketing कर रहा हूँ Amazon के साथ ना। मैंने 1.5 साल की है, and I was earning around $10,000-$15,000 at that time. तो एक दो चीजें मैंने यहाँ पे, एक दो लोगों के सवाल थे। एक तो जो आईपी का पूछ रहे हैं ना, अगर तो वो एसेट मेकिंग की तरफ कोई भी जा रहा है ना, पीएल की तरफ या होलसेल की तरफ, तो डोंट यूज दैट सेम आईडी, सेम आई पी और द सेम सिस्टम फॉर अफिलियट्स। अफिलियट्स पे इतना चेक नहीं करते, बिकॉज वी आर ड्राइविंग सेल्स टू देम, तो वो उनसे कमीशन सिर्फ दे रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन डू वट एवर। पाकिस्तान से भी अगर कर रहे हैं तो इफ यू हैव द सेम नेम, यानी अगर आपने वो कैनेडा वाले एक बता रहे थे भाई, उन्होंने अगर कैनेडा से आई डी बनवाया और उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो यू कैन यूज फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अगर वो इंक्वायरी करें तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ना, upload those documents from the same IP. So you can tell them के I am living here now, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, UK का ID था, पाकिस्तान से operate कर रहा था, उन्होंने पूछा, मैंने उनको पाकिस्तान के ID से ही अपने document send किए कि I am a resident over here, तो उन्होंने फिर वो allow कर दिया था मुझे। दूसरा मेरा question ये था कि आप affiliate में जब जा रहे हैं तो इसमें tier होता है ना percentage commission का, सर्टन सेल्स तक एक टियर आता है, फिर दूसरा टियर आता है, फिर तीसरा ओवरऑल पे आता है, 2.5 से लेकर 10 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ना 3-4 products, मेरा 3-4 product का सिस्टम इस तरह चलता था कि एक बहुत लो लेवल की प्रोडक्ट जो $1 की है फॉर इंस्टेंस, उसका मैं 1-2 ऐसे ब्लॉग्स बनाता था जो पर्टिकुलरली 1 product ब्लॉग होता था, only based on 1 product, and that's I used to drive sales from there to increase the percentage. और जब percentage top पे जाती थी तो फिर मैं अपनी बाकी sales बड़ी products की तरफ लेके आता था। I used to do coffee makers और उस तरह के reviews में product reviews करता था उस time पे, तो उनके home system, home entertainment systems और वहाँ से। तो अभी भी कर रहे हो? नहीं, I'm not doing that anymore. लेकिन I used to and I was making 15,000 at that time 2007-08. My father, Allah Jana Sib Kare, he used to ask me ke din kaisa ja raha, aur jab mera $500 or $700 jis din hota tha na, to main us din rone wala hua hota tha ki aaj kamai nahi ho rahi. To he used to tell me ke mujhe sikha de, ikatthe baith ke karte hain. To it was a very good model at the time. To tumhara ab karne ka mood? Main abhi PL ki taraf ja raha hu. I'm an elite student for Sunny bhai. उसमे PL, और अब मेरा दूसरा जो एम है ना वो होलसेल का है, एफिलिएट में। और मैंने भी आपकी तरह खुद सारा सीखा है, तो मैं SEO भी जानता हूँ, मैं मार्केटिंग भी जानता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ, आई नो 8 different languages कोडिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मुझे आती है, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बहुत अरसा किया है। तो कुछ चीजें मैं इधर क्लियर इसलिए करना चाहता, एक PBN, इनको PBN आपने सिखाना है इसके अंदर जी, SEO के, इज इट द पार्ट ऑफ इट? I will eventually go towards that. अच्छा, और उसके अंदर IP differentiation, क्योंकि you can't use one same hosting from the same provider.
बिना पीपीएन, तो वो सारा कुछ भी कवर करेंगे आप? हाँ. अच्छा ओके. तो ये दो चार चीजें मेरे जेन में आई थी, मैंने कहा मैं शेयर कर दूं क्योंकि मेरा अपना छोटा भाई जो है ना वो भी आजकल इन्हीं चक्करों में है, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इनपुट मैं भी दे दूं और मुझे पता लग जाए ताकि मैं उसे बताऊं कि इधर ज्वाइन कर ले. दूसरा ये कि आपके जो आपने एक इटनरी बनाई हुई है अपनी, उसके अंदर होलसेल किस लेवल पे आती है? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो होलसेल के अंदर है. अफिलिएट्स में बाय आपके पूरे जो आपने स्केड्यूल बनाया है आउटलाइन का, उसके अंदर होलसेल भी आप कवर कर रहे हैं ना? अमेज़न होलसेल? हाँ जी. नहीं वो रजी कर रहा है. अच्छा वो रजी कर रहा है. ओके. अच्छा अब एसोसिएट्स का मुझे नहीं पता वो क्या है, बिकॉज आई लेफ्ट अमेज़न क्वाइट व्हाइल अगो, तो अमेज़न एसोसिएट्स का आई डोंट नो, इसलिए मैं वो आपसे कह रहा था कि अगर वो हेडलाइंस आप फ्रंट पे शेयर कर देना तो आई विल गो थ्रू दोस. बाकी रही बात मार्केटिंग की, तो उसके अंदर दो सजेशंस और है मेरे, आई एम नॉट गोना टेक मोर ऑफ टाइम. उसके अंदर ये जो भी यूजर्स कह रहे थे कि जो आपने करवाने होते हैं ना फॉर्म के रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड रोबो फॉर्म्स. आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस. उसके अंदर तुमने उधर मेंशन किया था, उसमें होता यह है कि आप एक फॉर्म उनका एक है वो फिल कर देते हैं. सबके अंदर यही होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फुल नेम, ईमेल पासवर्ड और इस तरह करके फील्ड्स, वही स्टैटिक होती हैं. और अगर आप कोडिंग जानते हैं तो बैक साइड में आपने नेम और आईडीज भी वही दिए होते हैं जो उनसी फील्ड्स होती हैं. तो रोबो फॉर्म में आप एक फील्ड फिल कर देते हैं और कुछ सेक्शन आप रेंडमाइज कर देते हैं. तो आप जब किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं, रोबो फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स को खुद फिल कर देता है. जबरदस्त, इट सेव्स यू टाइम. दूसरा ये दैट इज एक्चुअली ग्रेट. दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है स्क्रेप बॉक्स, SCRAPEBOX. इट इज अ $49 सॉफ्टवेयर जो विंडोज पे चलता है सिर्फ. और वो बेसिकली क्या करता है, वो आपको ना पहले उसके अंदर हार्वेस्टिंग की ऑप्शन है. आप प्रॉक्सीज हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आपने इस तरह पोस्टिंग करनी है ना फॉरम्स में, या गेस्ट पोस्ट करनी है, या कुछ भी करना है, तो अगर आप एक ही आईपी से करते हैं तो वो बैन होने शुरू हो जाते हैं. आपकी पोस्ट भी वो जो है ना स्पैम में जानी शुरू हो जाती है. तो आप उसके अंदर हार्वेस्ट करते हैं प्रॉक्सीज, उसके बाद आप हार्वेस्ट करते हैं ब्लॉग्स अपनी नीश से रिलेटेड. उसमें आप कीवर्ड डालते हैं, वो उस तरह के ब्लॉग्स लेके आता है, और वो आपको वो वाले ब्लॉग्स बताता है जो के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑटो मैनुअल और सेमी. वो आपको कैटेगराइज कर देते हैं, फिर आप एक पोस्ट बनाते हैं, उसके अंदर कीवर्ड स्पिनर भी है, तो वो सारा कुछ करके ना, तो ये आपका कीवर्ड बैक लिंकिंग का जो प्रोसेस है ना सेमी तक, that is the best tool available in the market at the moment. Yeah. थोड़ा सा बस अवेस, मैंने स्क्रेप बॉक्स की तरह मैं एक और असल में सजेस्ट करूंगा, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बस ये है कि कीवर्ड स्पिनर्स की तरफ ना मैं इस ऑडियंस को लेके जाना नहीं चाह रहा. नहीं कीवर्ड स्पिनर नहीं, लेकिन आप देखें ना, अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस आपने डॉग कॉलर की बात की ना, डॉग कॉलर से रिलेटेड अगर आपके पास, आप खुद गूगल करना शुरू करेंगे तो आप 10 पेजेस बाय 10 पेजेस पे फिरना पड़ेगा ना, उसके अंदर फॉरम्स देखने पड़ेंगे. तो हर एक फॉरम होता है ना उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे वर्डप्रेस है या बीबी प्रेस है या वी बुलेटिन है, तो उसके अंदर उनके ना कुछ ऐसे कोड सिग्नेचर्स हैं जो आप उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि डॉग कॉलर से रिलेटेड कीवर्ड इसके ऊपर, पीआर इसके साथ, इतने फॉरम्स अवेलेबल है जिनपे रजिस्ट्रेशन ओपन है. तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल एंड सर्चिंग ऑल दोस, you can just get that copy in a CSV file और आप बारी बारी उस websites पे जाकर manually register कर लें. अच्छा अच्छा. जो harvesting and gathering of data है ना, वो आपका इसपे बहुत आसान हो जाएगा. You can save a lot of time over there. सही सही. King's College London में मैंने 2 दिन lecture दिया था marketing के ऊपर. I was 18 at the time marketing के ऊपर, because Sunrise Radio California के अंदर मेरा नाम announce हुआ था, क्योंकि मैं एक website 4 से 6 घंटे के अंदर बना के रैंकिंग ऑर्गेनिक में 7 डेज में ले आता था. उस पे मैं मंथली 200, 300, 400 तक उसका रेवेन्यू लेके जाता था, और उसको मैं flipa.com के ऊपर सेल कर देता था. जबरदस्त यार, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है. तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा था कि इस तरफ से, क्योंकि flipa.com जो है ना वो छोटी वेबसाइट्स के लिए अच्छी है, स्टार्टर वेबसाइट्स भी. एम्पायर फ्लिपर इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, लेकिन अगर आप उसको सिखा रहे हैं ना, तो टेल देम अबाउट flipa.com फ्लिपिंग. एक वेबसाइट आप बना के 3-4 महीने उसको थोड़े से 4-5 कीवर्ड्स, आप हर चीज पे ना जाएं, डॉग कॉलर की वेबसाइट बनाएं, डिफरेंट डॉग कॉलर्स को करें, उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स पे रैंक करें, एक स्टेडी इनकम बना के 3 महीने बाद flipa.com पे सेल कर दें. इट विल गिव यू इनफ मनी कि आप अगले 3 मंथ्स के लिए उस तरह की 4 वेबसाइट्स को स्टेबल करके अपनी टीम कर सकते हैं. बिल्कुल
while you are working on a bigger project. तो मेरा बस ये इनपुट था, मैंने कहा मैं शेयर कर लूं। जबरदस्त इनपुट यार, मतलब आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू, वी कैन, मैं जो ना बेसिकली वेस मैं इन लोग के लिए जो ना कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल कंटेंट बनाना चाह रहा हूं एंड आई एम रिसर्चिंग कंटीन्यूअसली। मैं इसमें काफी मेरी है ग्रिप, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो एट एनी टाइम गेट इन टच विद यू। मतलब मैं देखो आई रिस्पेक्ट एनीवन एंड एवरीवन इन दिस मार्केट, सही डिजिटल मार्केट बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो भले अमेजोन एसोसिएट्स कर रहा हो, वो भले ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, वो भले पीएल कर रहा हो, या वो भले अपनी कोई सर्विसेज बेच रहा हो थ्रू ऐप और व्हाटसएवर, ठीक है। बिकॉज सब लोग एक अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज लेके आए हुए होते हैं, एंड यू हैव दिस सच अमेजिंग एक्सपर्टीज माशाल्लाह, सो यू आर रियली कमेंडेबल। सो आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू, इफ यू हैव सम आइडियाज टू शेयर डू लेट मी नो, आई विल गिव क्रेडिट टू यू फॉर दैट पर्टिकुलर। रिलेटेड आई हैव गॉट सो मेनी आइडियाज, आई हैव डन दिस फॉर लाइक 20 years ho gaye, main, I was 17 at the time when I started, or I did it on my own, jab koi software nahi the, koi training courses nahi the, even YouTube was new at the time for those things. Yeah, yeah, yeah. So I did all that by trial and error, but I've got ideas if somebody wants them. I'm not doing that anymore, but I can redirect them in a proper direction if they want. If somebody wants, if you want me to help you out in any way, I'm available. Yeah, that's amazing. That's amazing. चलो ठीक है। तो मैं अपना जो है वो PL और wholesale में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन I'll help anyone जिसको भी चाहिए इसमें help. Yeah, guys, do get in touch with him as well because he has shared some amazing, amazing knowledge over here. जी, चलें। Thank you so much. Okay. For the time. Okay. Take care. Okay, take care. Allah Hafiz. जी, ख्याल। Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये भाई ने तो तकरीबन क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया था शुरू में, ये आईपी एड्रेस के मुतालिक मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं एफबीए होलसेल भी करना चाह रहा हूँ, बल्कि उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं वन टू वन का स्टूडेंट हूँ पीएल का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई अगर मैं उसमें अपने पीएल के लिए भी काम कर रहा हूँ तो सेम वेबसाइट और सेम आईपी एड्रेस और सेम यू नो कंप्यूटर या जो भी लैपटॉप वगैरह यूज कर रहा हूँ तो मुझे अमेज़न एफिलिएट के लिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ये तो आप मेरे ख्याल में आने वाले सेशंस में हमें गाइड कर देंगे इसके बाद, क्योंकि हम थोड़े से मतलब टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है ना, जैसे इन भाई साहब का था माशाल्लाह ही वाज फैबुलस। और सर एक और क्वेश्चन मेरा था कि ये वेबसाइट्स जो हम डिफरेंट वेबसाइट्स हम बनाएंगे, जैसे फर्ज करें मैं एफबीए होलसेल कर रहा हूँ और मैं जो सप्लायर्स है मैं उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ और उनको कहता हूँ कि यस दिस इज माय वेबसाइट यू कैन गो एंड हैव अ लुक, और उनके बाद उनसे मैं वो करता हूँ अकाउंट बनाता हूँ, जैसे आपने अपने रजी भाई ने अपने वीडियोस में हमें बताया हुआ है कि हाउ टू हंट यू नो अ सप्लायर एंड हाउ टू गेट हाउ टू मेक एन अकाउंट विद देम। तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ पे जो हम वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम कंटेंट राइटिंग करेंगे और ब्लॉग्स बनाएंगे या जो भी है आर्टिकल्स लिखेंगे, तो दिस वेबसाइट विल बी डिफरेंट देन दैट वेबसाइट। इट रियली डिपेंड्स। देखो तुम अभी अच्छा सो तुम पहले मुझे बताओ तुम्हारा अभी इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉइंट ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इनिशियल ये है कि मैं पीएल पे तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट हंटिंग स्टेज पर हूँ और इंशाल्लाह कुछ दिनों में शायद मेरी प्रोडक्ट अप्रूव भी हो जाए, और उसके बाद मैं क्योंकि यूके में मैं रहता हूँ तो मैं एफबीए होलसेल, क्योंकि वो सनी भाई की बात की आप किचन मनी आपको चाहिए सर्वाइवल के लिए ना, तो मैं इसलिए एफबीए होलसेल पे मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने कुछ शायद मुझे कुछ अकाउंट्स मेरे बन भी जाएं कुछ दिनों में, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये जो वेबसाइट है वी शुड मेक अनदर वेबसाइट फॉर दिस एफिलिएट मार्केटिंग या जो भी है, और या यू हैव टू मेक अनदर वेबसाइट, बट ऑब्वियसली वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है कि केयरफुली मतलब हाउ टू गो अबाउट इट, सही वो एक अलग टॉपिक है, वो सही सी बात है, आई विल बी कवरिंग दैट इन द लेटर सेशन, बट यस यू हैव टू क्रिएट अनदर वेबसाइट फॉर दैट, अ सेपरेट एसेट, दैट्स अ सेपरेट एसेट, हैज नथिंग टू डू विद पीएल, हैज शुड नॉट
be connected with PL in any means, मतलब कुछ ऐसा आपके कोई ट्रेड या ट्रेस भी नहीं होना चाहिए कि जो ना पता चल जाए कि आप PL भी कर रहे हो और अपनी जो ना साइड इनकम किचन नमकीन के लिए Amazon affiliates भी चला रहे हो। नहीं सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि चले मैं PL कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी XYZ की प्रोडक्ट्स के लिए मैं ये साइट अपनी यूज नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट अपने जो जो फर्ज करें किसी निश में मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स से आप गेमिंग का वगैरह एग्जांपल ज्यादा देते हैं तो चले आप बेसिकली बोलना चाह रहे हो कि PL का आपका जो लॉन्च है लेट्स सपोज वो डिफरेंट निश में टारगेट हुआ है और आप बेसिकली Amazon एफिलिएट्स कर रहे हो वो डिफरेंट निश में कर रहे हो, ये बात कह रहे हो ना? कुछ डिफरेंट निश है और मतलब किसी PL के अपने इवन देन जो फिर वही वाली बात आ जाती है, इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि आपको एक डिफरेंट आईपी चाहिए होगी, सही है, और यू हैव टू मेक श्योर इट कि आप किसी तरह भी ये चीज जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बस फिर आईपी जो भी है वो अवेस भाई फिर हमें गाइड कर देंगे कि चलें अगर आपको फर्ज करें, क्योंकि वो डोंगल्स वगैरह आगे पीछे मतलब ऑप्शंस तो हैं आप आईपी को चेंज करने के लिए अगर आदमी वो करे ना, तो देन वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर, आप करेंगे ना इसको, क्योंकि मैं यकीन करें आज के सेशन आउटस्टैंडिंग सेशन था लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हम तो आप जिस तरह हमें डिफरेंट जो स्ट्रीम्स बता रहे हैं मनी मेकिंग के या लर्निंग के नॉलेज के, तो वो हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रीम्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट मतलब आपस में वो ना करें कि भाई एक स्ट्रीम ऑब्वियसली आप एक रिस्क है, आई नो, या क्योंकि मैं ज़हन में ये है कि चलें मैं PL पे काम कर रहा हूँ वो तो हम बस प्रोडक्ट हंटिंग, वो तो एक टाइम आ जाता है रैंकिंग शैंकिंग चलो वो हो जाती है, यहाँ पे ज़हन में आ जाता है कि भाई वी आर लर्निंग ऑल दीस थिंग्स तो क्यों ना एफिलिएट मार्केट भी लर्न कर लें, क्योंकि मेरे पास कंटेंट राइटर भी है और मेरे पास SEO ऑप्टिमाइजर ये जो भी है, मेरे पास मतलब दो बंदे हैं जिसकी टीम मेरी मुकम्मल है, वो कह रहे हैं कि व्हेनेवर यू वांट वी विल गो विद यू, तो कंटेंट राइटर आजकल उसने वो लिख भी लिए हैं, दो चार आर्टिकल उसने लिखे भी हैं, कहते हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट आती है मैं स्ट्रेट अवे उस पर डाल देता हूं ना, तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट और सडनली मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो वहां PL पे काम कर रहा हूं और क्योंकि वो पाकिस्तान से बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आप अपना ID इस्तेमाल करेंगे अपनी PayPal वगैरह, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कंफ्यूज हो गया कि भाई ये तो आई कांट टेक ऑल दीज विद मी, ये तो सारे बीच में आपस में वो कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई। आगे के सेशंस में ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, बस मुझे यही पूछना था क्योंकि आप बेफिक्र हो जाओ, आप अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी आप मुझसे कॉल पे आ जाइएगा, आप 11 के हैं राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी मैं 11 का हूं, आप उसके लिए फिक्र नहीं कीजिएगा, अपने साथ कॉल पे कॉल का सेशन रख लीजिएगा, मैं आपको जो है इनसाइड आउट सब बता दूंगा, ऑब्वियसली माशाल्लाह गाइस ने काफी ज्यादा हाईलाइट करा इस बात को। ठीक है, ठीक है, और मैं जो मीनवाइल जो ये आर्टिकल्स वगैरह हैं ये सारी चीज इन पे काम करना मतलब जो कंटेंट राइटर है मेरे दोस्त हैं वो कर रहे हैं तो मैं इनको कंटिन्यू रखूं, कोई कंटिन्यू रखें, और आप ये जरूर करें कि आप अभी जो है ना अपनी एक निश या सबसेट निश जो है ना अपने दिमाग में जो है ना सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टू निशेज में हम नहीं कर सकते, मतलब हमें एक ही निश बस करनी चाहिए उसमें सब मैं बोलूंगा कि अभी आप यही करो, आइडियली मैं बोलूंगा कि आप फिलहाल इसी चीज की तरफ जाओ। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जी वजात। अच्छा, एक सवाल इसी तरह दोबारा आया है कि जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं Amazon PL के लिए या किसी भी चीज के लिए, अब एफिलिएट पे कौन सी निश में हमें जाना है, हमें उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग पहले करनी चाहिए प्रॉपर उसी तरह, क्योंकि Amazon का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम Amazon के टूल्स इस्तेमाल करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो मैं पर्सनली जो है ना कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं और वैसे मैं आज जो है ना बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी बात करने वाला था, सही है, लेकिन मैं पर्सनली जब तुम लोग अपनी कीवर्ड हंटिंग कर रहे होगे अपने निश के लिए तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, मैं खुद नहीं सजेस्ट करता वो, ठीक है, मैं तुम लोग को अगर सजेस्ट करूंगा मैं बोलूंगा Ahrefs यूज करो, Ahrefs इज राइट नाउ द बेस्ट टूल आउट देयर, कि तुम लोग अगर इनसाइट्स देखना चाह रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कि उन्होंने कितने बैक लिंक्स क्रिएट करे हुए, कहाँ कहाँ क्रिएट करे हुए, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर जो है, कौन से गूगल SERP के ऊपर है, उनकी क्या भी रैंकिंग्स चल रही हैं।
मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हम उसकी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं पूरी की पूरी, और हमें पता है कि भाई ये इतने प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं और ये इसकी कन्वर्जन रेट है, ये इतने लोग बाय कर रहे हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट टूल अमेजोन बता रहे हैं, अमेजोन के सारे टूल्स बता रहे हैं, जंगल स्काउट हो गया, हीलियम हो गया। अब हमें जैसे जिस कैटेगरी में भी जाना है हमें तो कन्वर्जन रेट चाहिए एफिलिएट के, कोई हमारे पास आए तो वो कन्वर्ट हो भाई उस प्रोडक्ट को खरीदे, बजाय इसके कि हम मतलब वो रिसर्च तो हम करें ही करें, लेकिन हम कौन सी नीश में जाएं, हम कौन सा प्रोडक्ट चुने, वो हम उसी तरह रिसर्च करें जिस तरह हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जरा थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस बता देता हूं मैं। देखो आई डोंट थिंक यू'ड बी यूजिंग जंगल स्काउट फॉर दिस, व्हाट यू वुड रादर बी यूजिंग इज नाम। यहाँ पे जो है ना, जब तुम कोई भी चीज टॉप 10 में तुम लिस्ट करते हो ना इन अमेज़न अपने आर्टिकल पे, तो जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो आते हैं वो तुम्हारा आर्टिकल रीड करके और फिर खरीदने के लिए राइट, वो इस चीज के ऊपर देख रहे होते हैं कि वाकई में जो तुमने जो भी प्रोडक्ट्स वहां पे लिस्ट करे हुए हैं क्या वो जेन्युइनली आउट इन द मार्केट में भी उतने ही मशहूर हैं, तो वो वैलिडेट भी करता है उस इन्फॉर्मेशन को, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं अगर एक माउस की बात कर रहा हूँ, मुझे गेम माउस इन चीज़ों का शौक है, ये इस हेड इस माइक्रोफोन की बात कर लेता हूँ मैं, मुझे पता है ये अभी दुनिया के टॉप 10 माइक्रोफोन्स में आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। अगर कोई साइट है जो बोल रही है, अगर मैं अभी मैंने लेट्स सपोज माइक नहीं खरीदा हुआ लेकिन मुझे पता है ये टॉप 10 में आता है, आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल और मैं चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट माइक मुझे मिले, ठीक है, तो फिर भी मैं रिसर्च करता हूँ टॉप 10 माइक्स फॉर स्ट्रीमिंग फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, और अगर उस टॉप 10 की लिस्ट में ये नहीं हुआ तो आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि वो आर्टिकल एक लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बिकॉज यू नो कि मुझे पता है ये बात कि अभी टॉप 10 में आ रहा है और हर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, हर दूसरी साइट ने जो है ना अपनी टॉप 10 की लिस्ट में इसको टॉप 3 में रखा हुआ है, ये क्यों नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, वो दूसरी कंपनी से पैसा ले रहा है पीछे से और वो जो है लिस्ट बना रहा है अपनी। इवेंचुअली अब गूगल का अपना एल्गोरिथम इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है, वो इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है अपनी जो है रैंक लूज करेगा ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जाहिर सी बात है उसकी रीडेबिलिटी कम होगी, लोग कम टाइम गुजारेंगे उसकी साइट के ऊपर, सही है, तो बाउंस रेट उसका बढ़ेगा जिसकी वजह से जो है उसकी रैंकिंग गिरेगी। जो ये जो जितनी भी रैंकिंग्स होती है ना, ये आपको बहुत केयरफुली चूज करनी चाहिए, सो यू हैव टू वैलिडेट दिस ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तुम अपने कॉम्पिटिटर्स के आर्टिकल्स देखोगे और तुम बाकी जगहों पे भी देखोगे टू वैलिडेट व्हाट्स राइट। ठीक, सॉरी मैं म्यूट हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे अभी आपने बात की कि गूगल का जो है वो रैंक इवेंचुअली गिर जाएगा, तो अभी अमेजोन मतलब जैसे अब अमेजोन 70% मार्केट को ले चुका है ऑलरेडी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू जो सेल की, तो वो क्या अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे ये सारी एक सर्च इंजन उसका भी हो जाए, जहाँ पे हम आर्टिकल्स वगैरह और वो सारी चीज़ें हो रही हो जिसमें टॉप 10 वो खुद ही एक प्लेटफॉर्म बना के Amazon wants people to make money off their platform, ठीक है? तो I don't think that they would be doing this. मतलब Amazon अपने अगर ये काम शुरू करता है, Amazon would automatically be incurring कॉस्ट ओवर दैट रिसोर्स कॉस्ट। लेट्स सपोज तुम्हें बोलते हो कि कल को जो है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग अपनी शुरू कर देता है, वो बोलता है भाड़ में गए प्लेटफॉर्म्स बाकी, और जैसी बात है मैं अगर अपनी खुद की एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं तो आई वुड बी रैंक्ड हाईएस्ट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हारी बात से लेके, है ना, तो अमेज़न वुड बी डूइंग दैट बिकॉज अमेज़न की अपनी अपफ्रंट एक कॉस्ट होगी रिसोर्सेज की, वो लगेगी और फिर पीपल उस चीज को एंजॉय करना बंद कर देंगे। बेसिकली अमेज़न चाहता है कि लोग रेलेवेंट ट्रैफिक जो है उनकी साइट उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर भेजे और वो कन्वर्ट हों। सो मुझे इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मेरे कुछ और शायद चीज इवॉल्व को होने को चाहे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अमेज़न वुड डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अली जी, इफ्तिखार जी, इफ्तिखार
यार इन्होंने किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ना था, रह गया, किसी ने कोई क्वेश्चन करना था, अनफॉर्चुनेटली रह गया। खैर इफ्तिखार बात नहीं कर रहे, तो आई जस्ट हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी मोहतशम। जी मोहित भाई, एक तो ये कि सॉरी आपको शुरू के ना सबने ये बोला कि सेशन छोटा कर दे, लेकिन अब क्योंकि हो ही रही है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दोबारा आपसे। कुछ चीजों के अंदर क्लैरिटी चाहिए थी। एक तो ये कि आपने 300 टू 1000 वाला बजट जो बताया था, इज इट फॉर अ मंथ या टोटल? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मंथ और मंथ। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है, सही है, तो ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू नो कि भाई आगे जाके कितना उसको वापस मिल रहा होगा जिससे वो रीइन्वेस्ट करना शुरू कर दे, सही है, और मतलब उसको कंटिन्यूएशन के अंदर रखे। या फिर इफ वी आर इन्वेस्टिंग लाइक 300 पर मंथ, तो वो कितने अरसे तक के लिए करना होगा टू यू नो स्टार्ट जनरेटिंग सम मनी, सही है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि ये जो ओवेस भाई जो अभी जो कह रहे थे फ्लिपा वाली वगैरह पूरी चीज जो कह रहे थे, अगेन दिस दिस इज अ मॉडल जो मेरे भी दिमाग के अंदर था कि ऐसे भी लोग करते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कि भाई वो छोटे छोटे एसेट्स बना के उसको सेल कर रहे होते हैं और फिर उसको री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब हम चाहें तो जिस तरीके से आपने बोला कि इनसे कॉन्टेक्ट करें, लेकिन फिर इनके पास सवालों की भरमार हो जाएगी। इससे बेहतर मेरा सजेशन ये है कि ये आपसे आप इनके साथ इन टच हो और इनके जो तरीकेकार हैं वो आप अपनी जुबान के अंदर हमें और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। मुझे इसके साथ इन टच होना ही है मोतिशम, मुझे इसके साथ ना इन टच होना ही है इवेंचुअली, बिकॉज़ ही हैज सम अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव 2 to 3 or 4 पीपल ऑन बोर्ड जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस हो, वो आपस में नॉलेज शेयर करके कुछ एक बहुत जबरदस्त चीज क्रिएट करें, ठीक है, एंड दैट कंटेंट विल बी शेयर्ड विद यू गाइस। अब मैं तुम्हें बताता हूं, फ्लिपा वाला जो तरीका है इज लाइक वन ऑफ क्रेजी तरीका है, सही है, और अभी भी तुम लोग अब फ्लिपा पे जाओगे तो तुम लोग को कोई 10-15 साइट्स तो अप फ्रंट सामने मिल जाएंगी जो कि अमेजोन एफिलिएट उन्होंने कुछ 3 महीने 6 महीने करा हुआ होगा और वो वहां पे बिक रही हैं, ठीक है, और वो उनका अपने सारे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ जो है ना लिखा होगा कि ऑन मंथ और मंथ क्या परफॉर्मेंस आ रही है, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट होगी, सब कुछ आ रहा होगा वहाँ पे। तो डेफिनेटली इस तरह की कोई चीज क्रिएट करनी है, और तुम लोग अगर इस तरह के मॉडल पे जाना चाह रहे हो जहाँ पे तुम लोग अपने एसेट को आफ्टर एवरी 3 months, 6 months, 8 months बेचना चाह रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट एज वेल। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इससे ये होगा कि सब अपने छोटे छोटे एसेट्स क्रिएट करके उसको फिर रीइन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास पैसे आ जाएंगे फॉर अ लॉन्गर यू नो लॉन्गर एंड सस्टेनेबल एसेट, नंबर वन। नंबर टू ये कि बजाय हम सब उनको राब्ता करें और वो ऑब्वियसली वो भी ओवरलोड हो जाएंगे मैसेजेस से और वो सबको थोड़ी थोड़ी बता रहे होंगे, इससे बेहतर है कि वो उससे डायरेक्ट आपसे राब्ता करें और आप सबको एक साथ ही वो नॉलेज प्रोवाइड कर दें ताकि सबको बेहतर तरीके से वो चीज समझ में। और लास्टली एक तो मुझे ये बजट वाली चीज बता दी गई जो मैंने आपको 300 to 1000 वाली जो पूछी कि कब तक हमें इन्वेस्ट करते रहना होगा। दूसरा ये कि यहाँ पे बीच में किसी बंदे ने सजेशन दिया था स्प्रेडशीट का, वो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि अभी भी जैसे देखें अभी हमारा टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा टाइम हमारा सेशन के अंदर गया है और बाकी क्वेश्चंस के अंदर गया क्योंकि ऑब्वियसली सब पूछ रहे होते हैं और सबके लंबे लंबे मेरे खुद भी लंबे क्वेश्चंस होते हैं। इससे बेहतर अगर ये हो जाए कि हम कोई स्प्रेडशीट बनाएं जहाँ पे आपको पहले से सारे क्वेश्चंस मिले हुए हों और आप फिर उन्हीं को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, बहुत सारे होंगे जो 2-3 मिला के आप जवाब दे सकते होंगे, उसके अंदर टाइम कंजम्पशन कम होगा। दिस इज जस्ट अ सजेशन। अच्छा आइडिया, ठीक है, बाकी बात इन्वेस्टमेंट वाली बात बता दीजिए, थैंक यू। ओके देन। अच्छा तो मोतीशम एक बात मैं जरूर बता दूं कि इन्वेस्टमेंट वाली बात ना मैं तुम लोग से डिटेल में बात करूंगा बाद में, बिकॉज देन अगेन मैं तुम्हें बताया कि इट रियली डिपेंड्स कि तुम कितना तेजी से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गूगल जो सर्च इंजन है वो ये मांगता है कि तुम पैसा बहाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक अब मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, वही बात ना कि एक सेशन के बारे में मुझे बात करनी है बाद में, ठीक है, जैसे एसईओ का टॉपिक है। अब कोई बात अगर किसी ने छेड़ दी या कोई बात कर ली, सही है, या मैंने सपोज एक बात कह रहा हूं मैंने अब, सो आई जस्ट टेल यू समथिंग, अगर कोई बात निकलती है ना आउट आउट इन द ओपन एकदम से, और ये मैंने ड्रॉपशिपिंग में भी करी थी, और वो मैंने अपने कॉन्टेंट में आगे रखी हुई है, और अगर लेट्स सपोज मैं उसकी एक एक भिनक भी डाल दूं कि लेट्स सपोज एक बात कह रहा हूं मैं क्लिक फनल्स पे, मैं तुम लोगों को क्लिक फनल और ड्रॉपशिपिंग में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि क्लिक फनल्स
के ऊपर पूरा एक सिंगल पेज एक्सपीरियंस, सिंगल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उस पर मैंने लेट्स सपोज 5 मिनट बात कर ली, सही है, और मैंने तुम लोग को पूरी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन ही दी, तो तुम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे मेरी बात, और फिर उससे फिर वो टॉपिक कहीं से उठ के फिर कहीं और चला जाएगा। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स इस वजह से नहीं छेड़ता हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं चाह रहा होता हूँ कि हम लोग एकदम फिर सबके दिमाग में उससे रिलेटेड जो है ना बातें शुरू हो जाएंगी। तो समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी, तो फिर यही करते हैं ना कि फिर इसको फिर हम छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन कि मैं जो ना काफी टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन अगर मैं ओवरव्यू ना दूं और मैं लेकिन एक टॉपिक को शुरू करूं और मैं उसको हाफ हार्टेड खत्म कर दूं तो सबके दिमाग में क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, सही है। तो मैं इस वजह से जो है ना मैं कोशिश कर रहा होता हूं कि मैं मेरे दिमाग में 1000 टॉपिक्स और हैं जो एक्चुअली मुझे डिस्कस करने हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज एग्जैक्टली राइट टाइम की बात वेट करवाना चाह रहा हूं। सही, बट बस मुझे ये वाली बात बोलनी थी कि वो जो उवेस भाई वाली चीज जो है वो इट वुड बी बेटर कि अगर आप दोनों आपस के अंदर लिंक कर लें बजाय कि सबको अलग अलग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। बिकॉज उवेस ने ना उस वक्त आई वॉज अ लिटिल बिट स्केयर्ड, मैं बताता हूँ क्यों। जब उवेस ने बात करी मुझसे फ्लिपिंग की तो वो मेरे दिमाग में था रिगार्डिंग फ्लिपिंग, इसने 2-3 ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो दूर दूर तक नहीं थी, तो मैंने दिमाग में ये आया उस वक्त मेरे कि यार ये मुझसे किसी तरह इन पर्सन कॉन्टेक्ट कर ले, सही है, एंड आई विल गिव हिम द राइटफुल क्रेडिट बिकॉज इफ ही टॉक्स अबाउट समथिंग ओवर हियर इट विल रेज 100 मोर क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड। और सब आप ही से पूछेंगे फिर, या तो आपसे पूछेंगे या तो उवेस भाई का व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप जो है वो फ्लड होगा मैसेजेस से। इट वुड बी बेटर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने देखो इवेंचुअली मेरी तुमसे फिर प्रॉबेबली तुमने सही करा अपनी जगह, बिकॉज इवेंचुअली फिर मुझे नहीं पता चलता कि तुम्हारे पास माशाल्लाह इतनी इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के ऊपर, सही है। तो डोंट फील सॉरी अबाउट इट, इट्स समथिंग यू डिड राइट ओवर हियर, बट हाँ ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब कोई बात करता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, दैट्स फाइन, आई कैन हैंडल दैट। मतलब दैट इज बेसिकली नॉट हिज फॉल्ट, वो हमारी तरफ से फॉल्ट हो सकती है। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, या जी वो हमारी तरफ से फॉल्ट हो सकती है कि अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। या ऑब्वियसली डोंट फील सॉरी, तुम्हें सॉरी फील करा के मुझे सॉरी फील करा रहे हो। बस मेरा ये था कि वो आपसे رابطہ करें ताकि फिर वो एक ही चैनल से सबको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके यार प्लीज अब जितने हैंड रेज हुए हैं उतने ही रखो, क्वेश्चंस लेने से मसला नहीं है मुझे जो है ना, तुम लोग फिर ग्रुप पे क्वेश्चंस कर लो बिकॉज नेक्स्ट कौन है जी। काशिफ सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम वेबसाइट बना लेते हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, एसईओ शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो कौन से पेज पे आने के बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है उस पे? सॉरी आवाज तुम्हारी मुझे सही से आई नहीं, शोर आ रहा है तुम्हारे पीछे। सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है एसईओ की वजह से, तो कौन से पेज पे आने के बाद उस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है हमारे पेज पे? ट्रैफिक तो तुम लोग के पास 5वें पेज पे भी आएगी, लेकिन वो बहुत 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 कम होगी, शायद दिन का एक बंदा आ रहा हो, ठीक है। ट्रैफिक तुम लोग के पास सही जो आना शुरू होती है वो पहले पेज पे ही आना शुरू होती है। देखो गूगल ये बोलता है और ये साइकोलॉजी है कि जब भी आप कोई चीज टर्म सर्च करते हो फिर गूगल पे, तो आप पहले 3 रिजल्ट्स को ज्यादातर देखते हो, 3 रिजल्ट्स के बाद आप जाते भी नहीं हो, पहले 3 रिजल्ट्स आप अलग टैब्स पे खोल लेते हो और उनको रिसर्च करते हो और बस दैट्स इट, वहां पे खत्म हो जाता है। तो बोला ये जाता है इफ यू आर नॉट ऑन गूगल फर्स्ट पेज देन यू डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इट्स नॉट इवन वर्थ थिंकिंग अबाउट कि मैं सेकंड पेज पे हूं, शुक्र है मैं सेकंड, मतलब ऑब्वियसली आप सेकंड पेज तक आ गए तो इंशाल्लाह फर्स्ट पहले पेज पे भी आओगे मेहनत करने के बाद, लेकिन आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो इट्स नॉट वर्थ थिंकिंग सेकंड पेज पे आके मुझे कितना रिटर्न मिल रहा होगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे पहले पेज पे आना है अपने कीवर्ड पे, तभी मैंने सोचना है कि हाँ यार अब मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे टीएल में हम टॉप 5 को टारगेट करते हैं कि हमने टॉप 5 स्पोर्ट्स पे आना है और हमें वहां से ट्रैफिक लेनी है सर। एग्जैक्टली ऐसे ही है।
सेकंडली सर मुझे ये बताइएगा हम कब से प्रैक्टिकली इसको खुद से करने के काबिल हो जाएंगे Amazon affiliate को सॉरी मतलब अगर हम ब्लॉगिंग पे भी काम करना चाहें या SEO पे भी काम करना चाहें तब मतलब कौन सा सेशन के बाद से हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट मेरे ख्याल से तुम लोग एग्जिट एप्लीकेशन जो है वो तीसरे सेशन मैक्सिमम चौथे सेशन तक स्टार्ट कर दोगे लेकिन तीसरे सेशन तक तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी इसके मतलब अभी से तीसरे सेशन की बात कर रहा हूं मैं ये अब नेक्स्ट सेशन की बात नहीं कर रहा मतलब अभी से जो नेक्स्ट दो तीन सेशन के बाद तुम लोग अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो एप्लीकेशन समझ रहे हो मेरी बात जी सर मैं समझ हां बिकॉज़ मुझे तुम लोग को एसईओ कवर करवाना जरूरी है थैंक यू सर इट्स अ नाइस जी असदुल्ला वैसे तो नीच तुम लोग अपने पैशन से रिलेटेड सेलेक्ट करो तो सबसे पहले बेहतर वही है ठीक है अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मेरे अपने पैशन में बहुत ज्यादा है या तुम लोग जो है Ahrefs के थ्रू या डिफरेंट टूल्स के थ्रू देखते हो कि नहीं पहले ही बहुत कॉम्पिटिशन बैठा हुआ है और इस पे कीवर्ड डिफिकल्टीज बहुत क्रेजी है मेरा बहुत मुश्किल है रैंक होना तो फिर मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करो किसी और एरिया में ठीक है सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस तुम रखो अभी फिलहाल तुम ये करो कि जो मैंने लास्ट क्लास बताई थी उस पर निश सिलेक्शन के कुछ टेक्निक्स बताए थे मैंने बहुत छोटे छोटे उनके थ्रू जो है ना तुम लोग अपने दो तीन निश सेलेक्ट करके रख लो और मुझसे डिस्कस कर लो जो कराची वाले हैं कराची ईसी ऑफिस आऊंगा मैं वहां पर डिस्कस कर ले इनशाला मैं अगर लाहौर इस्लामाबाद आ रहा हूँ अपकमिंग वीक्स में तो वहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि तुम लोग की निश सिलेक्शन क्या है मैं अपना लैपटॉप लेके आऊंगा मैं बैठूंगा Ahrefs और डिफरेंट टूल्स को खोल के और फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा वेदर यू गाइस शुड कंटिन्यू विद योर सिलेक्टेड निशेस और नॉट ठीक है आई गेस या जी तलाल अच्छा मुझे आज तो फिर वही हो गया गला खराब है और फिर भी सेशन इतना लंबा हो गया अच्छा लास्ट सेशन में पियोनियर के हवाले से मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास पे आउट के लिए जो है वो पियोनियर का ऑप्शन अवेलेबल है ना एफिलिएट्स के लिए अच्छा सेकेंड ये कि अभी जब किंडल के बारे में बातचीत शुरू हुई थी ग्रुप में जब सनी भाई ने की थी तो सनी भाई ने सबके किंडल के अकाउंट्स भी बनवा दिए थे उसका प्रोसीजर एक बता दिया था तो जब हमने अपने अपने वो किंडल के अकाउंट बनाए तो हमने पाकिस्तानी आईडी ये पाकिस्तान से ही बनाई है सारी डिटेल्स भी पाकिस्तानी यूज़ की हैं और उसको पेयोनियर से कनेक्ट कर दिया तो सेम वही डिटेल्स हम यूज़ करके अपना ये एफिलिएट का अकाउंट भी बना सकते हैं अच्छा थर्ड जब हम अकाउंट अपना बना ही लेंगे तो ऑब्वियसली हम उसे फिर पाकिस्तानी आईपी से खुद यहाँ से यूज कर सकते हैं इसलिए हमें फिर वीपीएस की जरूरत भी नहीं है ठीक बिल्कुल ठीक बस ये चीजें पूछनी थी इसके अलावा लास्ट एक जो लास्ट सेशन के हवाले से एक क्वेश्चन मेरा रह गया था वो ये था कि अमेजोन जो FBA होलसेल का जो हम अभी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि हम ब्रांड को कांटेक्ट करने के लिए या ब्रांड को शो करने के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे हम ये शो कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है ना वो ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम उनसे होलसेल अकाउंट की बार्गेन करते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट वेबसाइट क्या हम ये जो शॉपिफाई के ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना रहे हैं क्या हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर कैन यू कम अगेन नहीं आई मीन के जो हम होलसेल के लिए हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ना शो करने के लिए होलसेलर्स को अकाउंट लेने के लिए तो क्या हम ये जो शॉपिफाई का हम ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाएंगे क्या हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेट एंटिटीज डिफरेंट रखो अगर तुम ये बोल रहे हो कि जो होलसेल पे जो तुम अपना बेसिकली पूरा एसेट क्रिएट करोगे उस तुम अपने ब्लॉग्स के थ्रू होलसेल मॉडल पे ट्रैफिक भेजने की बात कर रहे हो नहीं नहीं मैं क्लियर करता हूँ दोबारा देखें होलसेल एफबी होलसेल
होलसेल के अंदर ये होता है जब हम ब्रांड्स जो ना कॉन्टेक्ट करते हैं होलसेल का अकाउंट लेने के लिए ना, तो उनको ये शो कराते हैं हम कि हमारे पास ये वेबसाइट है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, हमने अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करना है, हमने इस अपनी इस वेबसाइट के ऊपर सेल करना है जो कि हम वो कॉमर्स वगैरह के ऊपर बनाएंगे, और हम उस वेबसाइट को उनको दिखाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट वेबसाइट ऑन WooCommerce, व्हाई नॉट यूज द सेम वेबसाइट व्हिच वी आर बिल्डिंग ऑन। मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, आई थिंक दोनों प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल सेपरेट रखो, नहीं तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं, वो तुम्हें मैं आराम से बताऊंगा। बेटर है तलाल कि अगर तुम इससे रिलेटेड कॉन्टेक्ट कर लो ना, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मसले क्या आते हैं। कभी भी मैं हमेशा हर किसी को इस चीज़ के लिए कभी मैं इनक्रेज नहीं करता, प्लेटफॉर्म्स को अलग रखो। पिछले जो हमारा सेशन था उसमें कोई खातून थी जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड मुझसे सवाल करी थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाऊँ और उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन बनाऊँ और उस ब्लॉग के सेक्शन में जो है ना मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बोला था कि हाँ आई मीन मुमकिन तो कुछ भी है, लेकिन मैं लाइक किस तरह बताऊँ, लाइक काफ़ी खिचड़ी बन जाती है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, और बाद में डाउन द लाइन आपको खुद रियलाइज होता है कि आपने गलती कर दी है। ठीक है, मैं जानता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ ऐसे लोग जो कर रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन देखो तुम ज्यादातर साइट्स को अगर देखोगे ना तो वो ज्यादातर इन चीजों को सेपरेट लेके चल रहे होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द बेस्ट प्रैक्टिस। चल ठीक है थैंक यू मोहित, नो प्रॉब्लम। जी अमजद, अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वालेकुम सलाम सर, एक तो आपका लेक्चर इतना अच्छा होता है और इतना लेके चलता है कि आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी बन गया है, वरना हम तो मैं तो साइलेंट स्टूडेंट हूँ, चुप करके सुनने वाला हूँ आपको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। दूसरा ये आपसे, आज का सेशन जो भी आपने कराया सब कुछ मुझे समझ आया, और एक जो आप क्वेश्चन जो मेरा ये है कि जो हमने नीश सेलेक्ट की है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कंपेटिटिव है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम कंटेंट राइट नहीं करते, क्या आप सर्टेन टिप्स दे के हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप प्रेफर करोगे कि हमें कंटेंट राइटर हायर करना चाहिए। थर्ड मेरा कंसर्न ये है कि हर बंदा पीएल पे, मैं भी पीएल पे जा रहा हूँ, हर बंदे के पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ऑलमोस्ट अमाउंट डाल सके या पुट कर सके टुवर्ड अमेज़न एफिलिएट की तरफ। क्या हमें पूरा इतना वे आउट दिया जाएगा कि ताकि हम खुद भी अपना तरीके से एसईओ भी कर सकें, उसकी ऑफ साइड बिल्डिंग भी कर और रैंकिंग भी कर सके, ऑन साइड रैंकिंग भी कर सके। फोर्थ मेरी आपसे ये बात थी, जो वैस साहब आए थे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर आप हफ्ते में एक दफा पॉडकास्ट दोनों कर लें तो हमें भी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए, बहुत मेहरबानी सर। अच्छा मुझे तुम्हारे चार सवाल हैं जी, जिसमें से पहले मैं उस वाले पे आ जाता हूँ जो तुमने वो बात करी है कंपेटिटिवनेस ऑफ नीश, हाँ कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर आ जाता हूँ। देखो वैसे तो कीवर्ड डिफिकल्टी इटसेल्फ प्लेज अ गुड रोल, ठीक है। आप क्या करते हो, आप बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बात कह रहा हूँ मैं, अब मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी इससे रिलेटेड, प्लीज तुम लोग सवाल मत करना, वजह ये है कि मैं इसको मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने बोला क्या मुसीबत है, हटो, ठीक है, चलो डॉटर डॉग कॉलर कर लेता हूँ। ठीक है, किसी ने स्क्रिबल करा हुआ है पूरी स्क्रीन के ऊपर, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस। जी सर, ये पता नहीं किसने स्क्रिबल करा हुआ है, ये मैंने नहीं किया हुआ, सही एनोटेशन किसी ने किया, और आई डोंट नो, खैर नो इशू। खैर तो अब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करा है डॉग कॉलर के नाम से, राइट? Yeah.
ये SEO डिफिकल्टी है। इस तरह का एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है Ahrefs, वो दुनिया का नंबर वन है फिलहाल, ठीक है जी। हैंड्स डाउन इट इज डेफिनेटली द बेस्ट, सही है। अब ये जो होता है ना आपकी SEO डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी, ये आपको बताता है ऑन अ गिवन कीवर्ड आपको कितना मुश्किल होगा रैंक होना, ठीक है। अब मुझे पता है इससे रिलेटेड आप लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि अगर ये 80 है तो 80 का मतलब क्या है, कि मतलब मुझे कितने बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे, कितना साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे मुझे, अगर 80 है तो मतलब क्या है, कि मुझे क्या 8 महीने लगेंगे या 10 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा मुझे इसके ऊपर रैंक होने में, ये बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आप लोग के सामने, ठीक है। हम बेसिकली चीजों को 3-4 एंगल से देखते हैं। मैं आप लोग को ये भी बता दूं, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी भी जानता हूं जहां पे एक मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं, एक मीडियम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड के ऊपर एक लो पेज डोमेन वाला बंदा आके बैठ जाता है और वो अपना जैसे अच्छा मतलब अच्छे पैसे बना रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले तुम लोग को एक छोटा सा एक चीज बताई थी, हर वेबसाइट की अपनी डोमेन अथॉरिटी होती है और हर उस डोमेन अथॉरिटी, हर उस डायरेक्टरी पे मतलब हर जो ब्लॉग होता है जो आप लिखते हो उसकी एक डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी होती है। डोमेन अथॉरिटी का अलग चीज होती है, पेज अथॉरिटी अलग चीज होती है। वैसे तुम लोग के कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो वैल्यू देता है गूगल वो देता है आपकी पेज अथॉरिटी के ऊपर, कि आपका वो कॉन्टेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना क्वालिटेटिव लिखा हुआ है। फिर उसके ऊपर एक चीज लेयर आ जाती है खुद की कीवर्ड डिफिकल्टी, कितना मुश्किल होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको अपने आप को रैंक करवाना। आइडियली अगर तुम लोग मुझसे पूछो लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर तुम लोग को सबसे पहले अपने आप को रैंक करना है, विच आर बिलो 30, बिलो 30 वालों के ऊपर पहले तुम लोग को अपने आप को रैंक करना है। मैं फिर तुम लोग को ये बाद में बताऊंगा कि किस तरह तुम लोग अपने आप को बिलो 30 वाले रैंक जो कीवर्ड्स है जिसपे तुम लोग अपने आप को रैंक करोगे, फिर तुम लोग उनको यूज करके कैसे तुम लोग अपने आप को बड़े कीवर्ड्स या बड़े डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवा सकते हो, ठीक ठीक है ओके। ये ऑल इन ऑल बस मैं तुम लोग बिल्कुल एक बिल्कुल गॉर्डन, हाँ एक बिल्कुल बहुत ही जितना आसानी से मैं तुम लोग को बता सकता था अभी फिलहाल के कीवर्ड की क्लियर हो गया। हाँ कितना मुश्किल है, तुमने मुझसे पूछा था कितना मुश्किल होगा मुझे अपने उस कीवर्ड के ऊपर डिफिकल्ट रैंक करना। मैं कीवर्ड से नहीं था, मैं नीश से था, अगर आप लेटर ऑन कराएंगे तो लीव कर दें इसको। अब जैसे तो नीश, हां इट्स ओके, हर नीश में, हर पर्टिकुलर नीश में यू हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स ओवर देयर, लॉट ऑफ कीवर्ड्स, सही है। परचेस इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, नॉर्मल कीवर्ड्स भी होते हैं, सही है। तो हम ये पहले देखेंगे, जैसे तुम मेरे पास आते हो कि यार आप मुझे जो है ना वो कीवर्ड्स बता दो जिसपे लोग कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास हाई कीवर्ड डिफिकल्टी या हाई एसईओ डिफिकल्टी एक ही बात है और लो एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैं तुम लोग को सबसे पहले करवा रहा हूँ लो एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर रैंक, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्टिंग होंगे, कंपैरेटिवली कम होंगे लेकिन होंगे, लॉन्ग टेल होंगे, ठीक है ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा सर। दूसरा कंटेंट राइटिंग का मैंने कहा था कि अगर कोई राइट नहीं करता तो क्या आप कुछ गाइडेंस होगी या प्रेफर करेंगे कि कंटेंट राइटर ही हायर किया जाए? यार अगर तुम लोग अपना एक बजट बांध लो ना और हर कोई मुझसे अलग से बात कर ले इस टॉपिक के ऊपर कि मेरा बजट इतना है, इतना मैं मंथ ऑन मंथ निकाल सकता हूँ, आप ये बताएं कि आप मुझे कोई कंटेंट राइटर करवा सकते हो या आप मुझे बता सकते हो इसमें कोई कंटेंट राइटर आ सकता है, मैं पर डे चाह रहा हूँ मेरे 2 आर्टिकल्स जाएं Amazon affiliate पे, ठीक है। तुम लोग अगर मुझे सब लोग अपने, मैं बेहतर ये समझता हूँ अगर सब लोग अपने अपनी मसले बता दें 1-to-1 मुझे होके, मतलब कॉल पे नहीं मैसेजेस पे, ठीक है, कि भाई मेरा अभी मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ मंथ ऑन मंथ और मुझे बेसिकली खुद से कॉन्टेंट नहीं लिखवाना, किसी से लिखवाना है, ठीक है। तो हम या तो ईसी के ग्रुप में से ही किसी को पकड़ लेंगे या तो फिर हम लोग जाना कहीं और देखेंगे फिर जाकर, ठीक है ठीक है। और सर दूसरा लास्ट ये थी कि सर हर बंदा इन्वेस्टर नहीं है तो प्लीज भी सेम ऐसा रूप बनाइएगा कि ताकि वो अंडरस्टैंडिंग सेम रहे। मैं 3 बाइफिकेशन लाऊंगा इसमें, अगर कोई इन्वेस्टर है वो क्या करे, अगर कोई इन्वेस्टर नहीं है और वो बस बेसिकली अभी फिलहाल वो लेट्स सपोज कोई इन्वेस्टर नहीं है
और वो ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे तीन चार डिफरेंट मॉडल से बस कमाना है, इन्वेस्टमेंट आज से पांच साल बाद चार साल बाद मैं देखता हूँ कि मैं कर रहा हूँ किसी मॉडल पे, ठीक है? तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा कि तुम लोग को, हाँ, कि ग्राउंड अप पैसा बनाना है तुम लोग को, अभी सेविंग करनी है, वो कैसे करो? ध्यान होगा, बहुत मैम, ठीक है, ओके, टेक केयर। जी अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, वालेकुम सलाम। सर मेरे छोटे छोटे दो क्वेश्चन थे, बस आप हल्का फुल्का सा उन पे इनपुट दे दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले तो आप प्रिकॉशंस शेयर कर दें कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए अपने अकाउंट को सेव करने के लिए। सेकेंडली सर, कि हमारे आर्टिकल का कंटेंट क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू बाय है और वो कोई कोर्स वगैरह से सीख के खुद आर्टिकल राइटिंग करना चाह रहा है, तो वो कंटेंट क्या रखे? फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको चेक भी करवाना चाह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल सही है, तो आप उसको वेरीफाई कर देंगे? और सर थर्ड जो चीज़ आपने की थी गेस्ट पोस्टिंग की बात, तो सर वो तो काफी कॉस्टली नहीं हो जाएगा कि हम हर अलग अलग उन पे ब्लॉग्स पे जब उनसे नहीं, तो मत करो वो, देखो अगर तुम, मैं वही बता रहा हूँ ना, असल में अमेज़न एफिलिएट जो होता है ना, वो आपके आपके लिहाज से वो केटर होता है, तुम कितना कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम नहीं कर सकते अभी अफोर्ड, मैं लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता गेस्ट पोस्टिंग करो, मत करो अभी गेस्ट पोस्टिंग, मत करो गेस्ट पोस्टिंग, बिल्कुल भी नहीं करो। मैं बोलूँ इफ यू हैव An amount, ठीक है? उस केस में तो मैं तुम लोग को बताया ना कि हम, मैं तीन कैटेगरीज की बात करूंगा, एक जिसके पास है, एक जिसके पास नहीं है, ठीक है? तो तुम उसकी फिक्र नहीं करो, हाँ, कोई कोई ऐसा नहीं है कि बस मस्ट है, नहीं तो तुम तो करोगे ही नहीं रैंक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, बस कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट ज्यादा कर देती हैं, ज्यादा जल्दी रैंक कर देंगी कंपैरेटिवली, सिक्स मंथ्स की जगह फोर मंथ्स, अगर तुम 360 डिग्रीज पूरी स्ट्रेटेजी लेके चलोगे। हाँ यार, मैं बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी का भी ख्याल रखूंगा, जिसपे अब कोई गूगल बहुत ज्यादा क्रेजी फोकस नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसका वेटेज होता है, ठीक है? मैं अपने क्वालिटेटिव आर्टिकल लिखूंगा। गूगल सबसे ज्यादा अभी जो रैंक करता है ना आर्टिकल को, वो सबसे ज्यादा देखता है कि आपका कितना ओरिजिनल कॉन्टेंट है, कितना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और कस्टमर कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उसको, बैठ के सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं उसको, सबसे ज्यादा इस चीज को देखता है गूगल भी। ओके सर, वही सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हमारे आर्टिकल कंटेंट क्या होना चाहिए अगर कोई न्यू बाय कोई कोर्स वगैरह से या अपने एक ट्राई देना चाह रहा है कि मैं कितना अच्छा आर्टिकल लिख सकता हूं, तो उसके लिए आप गाइडलाइंस दे दें कि कंटेंट क्या हो हमारे आर्टिकल का। ठीक है, मैं उसकी गाइडलाइंस लिख दूंगा। ओके सर, और सर थोड़ा सा इनपुट दे दूं अगर मैं लेक्चर के लिए। बोलो सर। वो ये होता है कि जो मतलब दूसरे हमारे मेंटोर्स हैं, वो अपनी पहले स्लाइड्स लेके चल रहे होते हैं, उसके बाद उन्होंने ना सर जैनुर रफी से आप पूछ सकते हैं कि वो गूगल शीट पहले शेयर कर देते हैं, तो उसमें ना काफी सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो वो जो क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे होते हैं तो वो आंसर नहीं देते हैं, उसके बाद फिर जिन्होंने जिनके क्वेश्चंस होते हैं तो फिर वो हैंड रेज कर देते हैं, इस तरह से काफी टाइम भी बच जाता है। ठीक है, ये अच्छा कर दिया तुमने बताया, क्योंकि मुझे बस बेसिकली यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस पता नहीं है, तुमने अच्छा करा, मुझे इनफैक्ट ईसी वालों से भी मिस हो गया होगा, तो मैं जो ना ये जैन से बात कर लूंगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे लेके चलूं मैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके देन, जी उमेश, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज, आई एम हैविंग क्रेजी पेन इन माय थ्रोट राइट नाउ। जी उमेश, वन सेकंड, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप, मैंने आपके लेक्चर दिया है, इससे पहले भी लिए हैं, तो आप कह रहे थे कि $500 की इनकम का मेरा टारगेट है, तो आप मुझे उसमें बुलेट पॉइंट्स में बता देंगे, लाइक के यार 500 के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो इंग्रेडिएंट कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो तो मैं आपके लेक्चर सुन ही रहा हूं, आप मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। $500 के तुम्हें अगर एम करना है तो तुम्हें इनिशियली क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ठीक है? ठीक है, मैंने तुम्हें वैसे ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बता दिया था, पता नहीं तुम शायद, मुझे नहीं पता तुम एग्जैक्टली स्टार्ट से आए हो कि नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर बता दिया था कि शायद आई एम अनएबल टू रिकॉल, तो अगर आप काइंडली, हां, तो तुम्हें दो मेन एरियाज है इसमें, ठीक है? एक तरह से तीन बोल सकते हो, वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है,
फिर यहाँ पे मैंने बेसिकली मेरी लेटर ऑन स्लाइड्स में मैंने ये भी बताया हुआ है कि बेस्ट प्रैक्टिस, एक सेकंड रुकिए रुकना, यहाँ पे मैंने साइड अपनी उसमें बाद में बताया हुआ है कि आइडियली तुम्हारा वायर फ्रेम क्या होना चाहिए एक ब्लॉक का, एक अच्छे एफिलिएट पेज का, ठीक है, पूरा वायर फ्रेम मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिहाज से तुम्हें चीजें लेके चलना पड़ेंगी, कोशिश करना है उसके लिहाज से लेके चलो, उस आइट्रेट करके उसको बेहतर कर सकते हो, उसका मसला नहीं, मैं ये नहीं बोला कि दुनिया का सबसे बेस्ट यही है, लेकिन ऑब्वियसली एक बेसिक तुम लोग को आइडिया देने के लिए वायर फ्रेम मैंने बना दिया खुद से। फिर उसके बाद वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो दो मेन एरियाज हैं वो SEO है और तुम्हारा कॉन्टेंट कैलेंडर है, और कॉन्टेंट बेसिकली लिखवाना है तुम्हारे कॉन्टेंट राइटर से बार 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 बार, ठीक है, तो ये तीन मेन एरियाज हैं, ठीक है, कि तुम्हारे साइट का लुक एंड फील, जो कि ऑब्वियसली वो तुम SEO वाले बंदे से भी कंसल्टेशन करके जो ना उसको बेहतर करवा सकते हो, और फिर SEO से रिलेटेड ही सिर्फ ऑफ साइट ऑन साइट नहीं आता है, रिस्पॉन्सिवनेस और तुम्हारा पेज टाइम भी आता है, ठीक है, और भी चीजें होती हैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट जो कर रही होती है, ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए तुम्हारी, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, और फिर ऑब्वियसली तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी कीवर्ड सिलेक्शन SEO वाला ही करेगा, तो मैं इसको अलग से नहीं कभी भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो ये दो मेन एरियाज है, अब वो तुम्हारा SEO वाला हो या तुम हो दैट रियली डजंट मैटर, तुम भी कर सकते हो ये काम। समझ रहे मेरी बात? हेलो उमेश, तुमने अपने आप को म्यूट कर दिया शायद। खैर, I guess that's pretty much it. Okay, मैं समझ गया आपकी बात। मैंने अपनी साइड से खुद ही म्यूट किया था क्योंकि थोड़ा सा शोर था मेरी साइड पे, तो मैंने कहा पीसफुली आंसर दे दें। थैंक यू। Okay, you're welcome. Okay, guys, I'm off then. इंशाल्लाह फिर हम लोग थर्सडे को मिलते हैं ड्रॉप शिपिंग पे, ठीक है। अवैस अभी यहाँ पर है या नहीं है? हाँ अवैस यार, मुझे अपना नंबर दे दो, नंबर प्लीज, ठीक है, फिर मैं तुमसे आई विल गेट इन टच विद यू, एंड आई विश अगर प्रॉपर क्लास होती तो आई वुड हैव कॉल्ड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, लाइक सीरियसली इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू। ओके देन आई विल गेट इन टच विद यू देन, ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम सब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।